दोस्तों, आज हम लोग जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पूरे सेशन का जो दूसरा सेशन है, फर्स्ट सेशन था कि वी न्यूट्रा के साथ हमारा मर्जर, वो हमने ऑलरेडी ये जूम मीटिंग को रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग एक सेपरेट तरीके से पूरा यूट्यूब पे डाला जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पड़ाव है कि भाई लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आज हम लोग जो डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए, तो वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो रहा है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, एलडीपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई एलडीपी प्रोग्राम क्यों करना चाहिए, किस लिए है एलडीपी? अगर कोई बता सकता है तो हैंड रेस करे या मेरे को मैसेज करे तो मैं उनको अनम्यूट कर पाऊ। कोई बताना चाहे तो मेरे को लाइक चैट में मैसेज करे कि एलडीपी क्यों जरूरी है। अगर किसी को कोई बता सकता है कि भी एलडीपी क्यों जरूरी है, हैंड रेस करें अपना या मैसेज में डालें। हाँ, टीआरएस परिवार, रंजीत जी को जरा अनम्यूट करिए। टीआरएस परिवार, हाँ रंजीत सिंह, या रंजीत जी जरा अनम्यूट होइए। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल फिलानियन। जय गुड जेफलॉन मॉर्निंग सर। सर, जय फिलान। सर, एलडीपी का मेरा जो मानना है, एलडीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सही बिजनेस आपको करना है तो आपको आपके लीडर्स बहुत हर तरीके से सक्षम होने चाहिए। उनको वो एजुकेशन मिलनी चाहिए कि वो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये बड़ा बिजनेस सब छोटी छोटी चीजों से जो है ध्वस्त होता है कभी कभी। वो छोटी छोटी चीजें एलडीपी में सिखाई जाती हैं, और एलडीपी जो लीडर अटेंड कर लेता है, लीडरशिप के अंदर आ जाती है, तो वो कभी भी बिजनेस को कभी भी डिमोटिवेट होने की वजह से छोड़ता नहीं है। और एलडीपी जो भी कर बैठा है, यहाँ पे कई सारे लोगों ने एलडीपी कर रखी होगी, उनको खास तौर से पता होगा कि एलडीपी में वो छोटे छोटे पॉइंट जिसपे अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं, अक्सर वही गलतियों की वजह से बिजनेस जो है ध्वस्त होता है लोगों का, वो छोटी छोटी बातें ही सिखाई जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हर जगह से पता चल जाती है, लेकिन लीडरशिप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है। और आज सर के द्वारा वो बातें सिखाई जाएंगी, उम्मीद है मैं, वो पूरी सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो छोटी छोटी चीजें सर दिखाएंगे, वो आप डायरी पेन के साथ, मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए, उसको नोट जरूर कीजिए। और एलडीपी सर, मैं बस 1 मिनट का समय और लूंगा। एलडीपी इसलिए होती है क्योंकि कच्ची ईट और पक्का ईट आपने देखा होगा, कच्ची जो होती है मिट्टी से बनती है, ठीक है? तो जब डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है तो वो एक कच्ची ईट होता है, ठीक है? उसे कैसे भी सांचे में ढाल दीजिए, लेकिन कच्ची ईट क्या होती है, जब मार्केट में डालेंगे कहीं पर, आप मार्केट में निकलते हैं कच्ची ईट की तरह, तो आपको लोग जब वार करते हैं तो आप टूट जाते हो, ठीक है? लेकिन एलडीपी में जाने के बाद, यानी कि ईट वो भट्टे में जा चुकी है, वो पूरी तरीके से हीट होके मजबूत हो चुकी है। अब एलडीपी के बाद जब आपका लीडर मार्केट में जाता है, वो पक्की ईट की तरह कोई भी उस पर वार करता है, वो टूटता नहीं है, वो वापस दूसरे को तोड़ के चला आता है। तो ये होते हैं एलडीपी। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार रूप से एलडीपी क्यों जरूरी है वो समझा, और बेहद सही चीज बोली, सटीक चीज बोली आपने कि एलडीपी क्यों जरूरी है। अभी मैं आपके यूपी के ही होनहार लीडर दिनेश कुमार यादव जी को, टीम गुरुकुल को अनम्यूट करना चाहूंगा और उनसे सुनेंगे कि उनके हिसाब से एलडीपी क्यों करनी चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। दीपक, दिनेश जी अनम्यूट होइए जरा। जी सर, सर अभी वॉइस आ रही है? हाँ यस सर, वॉइस आ रही है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। सर जैसे कि रंजीत जी ने एकदम सही कहा, मैं उनकी बात से एकदम ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट जैसे कि नाम से ही शो होता है कि इट इज द प्रोग्राम टू डेवलप अ लीडर, ठीक है। और बेसिक लेवल पे सर जो बहुत ही छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि भी रंजीत सर ने भी कहा कि छोटी छोटी गलतियां जो लीडर कर तो रहे होते हैं लेकिन उनका आभास उन्हें नहीं हो पाता कि हम ये कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें उसका आभास नहीं होता, बट दे आर स्टिल डूइंग दैट। तो उन चीजों को वो करेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो कहते हैं ना, किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है और अगर एक लीडर को एक सही लीडरशिप डेवलप करनी है तो उसे एथिक्स को फॉलो करना होगा। तो लीडरशिप डेवलप प्रोग्राम में सर उन एथिक्स को भी हम सीखते हैं कि हमें किन एथिक्स के साथ अपनी एक अच्छी टीम को खड़ा करना है, क्योंकि सर दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग लैडर होते हैं, कुछ लोग लीडर होते हैं। तो लीडरशिप प्रोग्राम में लैडर्स को अलग किया जाता है, लीडर्स को आगे बढ़ाया जाता है, और जो लैडर है वो भी लीडर बन जाए। बिल्कुल
बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। अभी हम हमारे कंपनी के फर्स्ट रॉयल क्राउन डायमंड मिस्टर अब्दुल खान बलोच जी को अनम्यूट करेंगे। अब्दुल भाई गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपकी कमेंट चाहेंगे विन विप्रा का एक के मर्जर पे। सर आज बहुत खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं थैंक्स आपको देना चाहता हूं कि सर आज जो आपने मैनेज किया है, सर जो मान लीजिए कि करीबन 30 महीने से हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से कई बंदे चले गए थे और कई बंदों ने मान लीजिए हमारे फिलहाल के बारे में कुछ ना कुछ हमको दिक्कतें पहुंचाई, परेशानियां पहुंचाई, लेकिन आपकी जो सोच है, आपका जो दिमाग है सर, सर के उसके बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसी लोगों को इग्नोर ना करते हुए भी उन लोगों को आपके दिल के अंदर रखे और उनको फिर से आपने मान लीजिए फिलहाल परिवार में शामिल किए। और थैंक्स मैं दूसरे नंबर पर देना चाहता हूं दीपक शर्मा जी को कि उन्होंने जो आज डिसीजन लिया है सर, सही समय पर सही मौके पर आज उन्होंने डिसीजन ले लिया है। बिल्कुल सर, जब भी हमने कंपनी स्टार्ट किया था तब भी हमारे साथ में थे और जो उन्होंने बताया कि टॉप फाइव का लिस्ट निकलता था सर, तो जब मेरा भी नाम आता था दीपक शर्मा जी का नाम तब भी आता था सर। और बहुत खुशी, आज खुशी हो रही है हमें और उनके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या उनको मोटिवेट करूं सर। और परिवार के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सर आज तक हमने देखा है सर, कई कंपनियों के अंदर ऐसा होता है कि कई कंपनियों के अंदर बड़े बड़े लीडर मान लीजिए कोलैबोरेशन कर लेते हैं, कई बड़े बड़े लीडर जुड़ जाते हैं। सर आज एक खुशी का मौका है और पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास बनने जा रहा है कि आज एक कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी जुड़ रही है सर और ये सबसे पहले एक इतिहास के अंदर इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा सर। बिल्कुल सर, थैंक सर, आज बहुत खुशी है और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो भी आपने बोला है सर कि ये छोटी छोटी जो भी बातें हो लीडर को पता नहीं चलता और उन लीडर को पता चलने के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए मान लीजिए कि ईंटें होती है जैसे अलग अलग ईंटें होती है लेकिन वो ईंटों को एक साथ में मान लीजिए एक लाइन में लगा लेते हैं तो लाइन में लगाने के लिए जो भी मटेरियल जैसे कि सीमेंट वगैरह रेती वगैरह जो होता है उसको लगा लेते हैं सर, उसमें से एक ऐसी दीवार बनती है कि दीवार बनने के बाद चाहे दुनिया में कितने भी मान लीजिए तकलीफें आए, चाहे बारिश हो तूफाने हो, लेकिन वो दीवार को नहीं गिरा सकती सर। लीडरशिप डेवलपमेंट का यही रोल है कि जितनी भी छोटी छोटी ईंटें हैं उसको एक साथ में सीमेंट का रोल अदा करके उसके एक दीवार पक्की दीवार बना देती है और आने वाले समय के अंदर सर एक फिलहाल हर्बो मेडिक्स की पक्की दीवार बनेगी सर। दुनिया की किसी भी कोई ताकत नहीं है कि फिलहाल को सर नीचा गिरा सके या फिलहाल के बारे में कोई अगर व्यक्ति उंगली भी उठाकर देख सकेगा सर। बहुत थैंक्स, धन्यवाद सर, जय फिलहाल, जय फिलहाल सर। थैंक यू अब्दुल भाई और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ये महीने का जुलाई महीने का अब्दुल भाई का जो रिपर्चेस का चेक है वो 2,32,000 रुपया है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए अब्दुल भाई के लिए। और इन्होंने यही महीने में कंपनी के फर्स्ट क्राउन रॉयल क्राउन डायरेक्टर बने हैं, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अब्दुल भाई और आप जल्दी फिलहाल के ब्रांड एम्बेसडर बने, वैसी दिल से शुभकामना आपको। थैंक्स सर। दोस्तों अभी हम लोग फोकस करेंगे कि किस लिए है एलडीपी। तो दोस्तों एलडीपी का मतलब अगर हम शॉर्ट फॉर्म को अगर फुल फॉर्म में लेके जाए तो उसका मतलब होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, डेवलपमेंट यानी कि उसको डेवलप करने का, प्रोग्राम यानी कि इवेंट। सिंपल तीन चीज अगर हम देखें तो उसका मतलब यही होता है कि भाई लीडरशिप को डेवलपमेंट करने की कोई इवेंट या प्रोग्राम, इसको हम एलडीपी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है कि जो कभी भी आपको जन्मजात नहीं मिलती है दोस्तों, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, और अपने को क्यों एलडीपी जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ी वजह वो है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों पीपल का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। लोग बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, हाँ है, लेकिन वो सेकेंडरी पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्रूट करना होता है, और जब डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट हो जाए, आपकी टीम में आ जाए, आपकी डाउनलाइन में आ जाए, उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट का सेलिंग करता है। तो इसीलिए ये लोगों को यानी कि पीपल को मैनेज करने का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। और इसीलिए यहाँ पे समझो कि मान लो कि आज अब्दुल भाई है, तो अब्दुल भाई के नीचे मान लो कि 50,000 लोगों की टीम है। अगर अब्दुल भाई के अंदर 50,000 लोगों की टीम है
और उसके बाद उनके अंदर अगर लीडरशिप नहीं है तो वो 50,000 लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, 50,000 लोगों को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 50,000 लोगों को अगर वो अच्छी सर्विस एज अ लीडर दे पाएंगे तभी जाके उनका ग्रोथ होगा, टीम का ग्रोथ होगा। और इसीलिए लीडरशिप दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी है, लीडरशिप का डायरेक्ट सेलिंग में होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये पहले पीपल का बिजनेस है और बाद में प्रोडक्ट का बिजनेस है। अगर आपके पास पीपल जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। आप अकेले दम पर तो कितना प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे, उसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि अब्दुल भाई का ये महीने का चेक बना है 2,32,000। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि 30 दिन में 24 घंटा अगर अब्दुल भाई प्रोडक्ट सेल करते रहे, ठीक है, फिर भी वो अपना 1,00,000 रुपए का पर्सनल चेक नहीं बना सकते, समझिए। ये जो 2,32,000 का उनका चेक बना है वो उनकी और उनकी टीम के मेहनत के कारण बना है, वो उनकी लीडरशिप के कारण बना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी टीम में लोग आएंगे तो सही, लेकिन वो लोग रुके और आपके लिए काम करें उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं करण भाई को बोलूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड करें। ये आपको क्लियर हुआ कि किस लिए एलडीपी करना चाहिए। आपके सामने दोस्तों एक और स्लाइड दिखती होगी जिसमें लिखा है एलडीपी से पहले, और वहां पे एक पत्थर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये पत्थर की वैल्यू क्या है? पत्थर की दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहां से 1 किलोमीटर पैदल चला जाऊं तो मेरे पैर से बहुत सारे पत्थर ऐसे लग के चले जाएंगे, और ये पत्थर मेरे को रास्ते में चाहिए उतने मिलते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई भी लीडर के अंदर लीडरशिप नहीं है या कोई भी लीडर लीडर नहीं है तो वो कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। वो एक पत्थर की तरह होता है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। दोस्तों आज मैं एक और कमिटमेंट थोड़ा कर दूं कि आज एलडीपी में ले रहा हूं तो मैं बहुत सारा आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि वो भूमिका में हूं। तो आपको कोई भी चीज अपने पर्सनल लेवल पे लेनी नहीं है, सभी चीज को आपको पॉजिटिव लेनी है। मैं आपके ग्रोथ के लिए हूं, मेरे लिए आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा चाहता हूं, इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक मैं आज आपको कुछ बोलने वाला हूं, तो वो आपको पॉजिटिवली लेना है, कोई भी चीज नेगेटिवली नहीं लेनी है। तो दोस्तों जब भी आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो आपकी वैल्यू ये एक पत्थर की तरह होती है, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी आपको आके ठोकर मार के चला जाएगा। लेकिन जब आप ये एलडीपी को खत्म करेंगे या आपके अंदर ये एलडीपी प्रोग्राम का 50% भी अंदर जाएगा तो आप ये पत्थर में से एक शानदार मूर्ति के रूप में आएंगे। और दोस्तों मूर्ति की क्या वैल्यू होती है? मूर्ति की बहुत सारी वैल्यू होती है दोस्तों। अगर वो भगवान की मूर्ति है तो लोग माथा टेकते हैं, ठीक है, थीके? अगर वो समझो कि कोई और मूर्ति है तो भी उसका करोड़ों में वैल्यू मिलता है। आपके सामने ये मूर्ति है, ये मूर्ति का आपको वैल्यू भी मिलेगा और साथ में उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो एक पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को गो थ्रू करेंगे तो उसमें से आपको उतना कुछ सीखना मिलेगा कि नहीं मेरे को ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, और वो सब जब आप निकाल देंगे और जो चीज चाहिए वो ले लेंगे तो आप पत्थर में से एक मूर्ति बन जाएंगे और वो मूर्ति की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जिससे आपको अपनी डाउनलाइन पूरा फिलहाल परिवार आपके सामने माथा टेकेगा और आपकी एक अच्छी सी वैल्यू भी होगी। तो मैं दोस्तों आपको आज भले आप पत्थर के रूप में आए हैं एलडीपी में, लेकिन ये एलडीपी पूरा होने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं कमिटमेंट देता हूं आपको दोस्तों कि एलडीपी खत्म होने के बाद आप एक ऐसी शानदार सुंदर मूर्ति के रूप में आप होंगे और आप अपनी टीम के लिए एक उम्दा उदाहरण पेश करेंगे। करण भाई को बोलूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड करें। जी दोस्तों ये स्लाइड जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मूर्तिकारा एक मूर्ति को बना रही है और आज मैं दोस्तों पत्थर में से आप लोगों में से पत्थर रूपी आप लोगों में से मैं मूर्ति बनाने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारे जैसे कि ये हथौड़ी और ये जो टांकड़ जिसको बोलते हैं वो लेके जो मूर्ति को शेप दे रही है वैसे मैं आपको बहुत ज्यादा दर्द देने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि कोई मूर्ति बनने के लिए दर्द सहन करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज आप कोई भी चीज मेरी नेगेटिव ना लें, जो कुछ भी मैं बोलूंगा आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए होगा, और आज मेरी जो भूमिका है वो मूर्तिकारा की है और आपकी जो भूमिका है वो ये मूर्ति की है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे गांव आज सहन करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपको लीडर बनना है तो गांव सहन करना पड़ेगा, ठीक है, और आज आप गांव सहन करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के गांव अगर आपने सहन कर लिए
तो आप एक बहुत ही अच्छे लीडर बनेंगे और एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनेंगे। करण भाई नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप सभी मूर्ति बनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो मेरे को चैट में लिखिए कि हाँ हम तैयार हैं। तो आज आप पत्थर में से मूर्ति बनने के लिए तैयार है कि नहीं है? यस प्रिया उपाध्याय मैडम यूपी से। ओहो बहुत सारे यस आ रहे हैं, मेरे को रीड करने में भी दिक्कत हो रही है। दशरथ माथो जी, उदय भान जी, राम विनोद ठाकुर जी, पारुल मैडम, विजय गौतम जी, विशाल पंत, सीएमडी वी न्यूट्रा, दीपक जी, प्रकाश सैनी जी, राजूदा, टीम अल्टीमेट, डायमंड लीडर, ज्ञानेश्वर सालून के, टीआरएस परिवार, वाह दोस्त वाह, राजीव रंजन, मीर मोहम्मद बलोच, अनिल कुमार, गौतम जामुई, सुखेन दास जी, हमारे कंपनी के सेकंड रॉयल क्राउन डायमंड, जय यादव, टीम गुरुकुल, साजिया अंसारी, मोहसिन शेख, हितेश ठाकुर जी, गैलेक्सी J5, दोस्त अपना नाम लिख ले, विजय प्रकाश ठाकुर, विठल, डीडी प्रजापति जी गुजरात से, होनहार लीडर, भक्ताराम खोड़ा, जहीर अंसारी, चंदू जी, वाह वाह, प्रेम सोलंकी जी, कविता जी, बहुत अच्छे दोस्तों, लगभग सभी लीडर मूर्ति बनने के लिए तैयार है दोस्तों, तो गांव सहन करने के लिए तैयार है। ठीक है तो करण भाई नेक्स्ट स्लाइड की जाए। या दोस्तों क्या है लीडरशिप? एक बहुत ही अच्छा लाइक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि लीडरशिप किसको बोलते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मुंबई में एक आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें टाटा ग्रुप की होटल ताज की जो 7-स्टार होटल मानी जाती है वो होटल पे भी अटैक हुआ था और पूरी दुनिया वो बात को सुनकर हैरान हो गई कि वहां पे जो हाजिर थे उनके एम्प्लॉय भी लोगों की यानी कि खुद का जान बचाने से वो लोगों को ने प्रायोरिटी दी कि अपने जो गेस्ट हैं वो लोगों को बचाया जाए। तो जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनके दो प्रोफेसरों को वैसा लगा कि भाई ये लोगों के अंदर वैसा तो क्या था कि जिसके कारण वो अपनी जान की बाजी लगा के वो अपने गेस्ट को वहां से निकाल रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे वो यहाँ पे आए, भारत में आए और टाटा ग्रुप के लाइक सीएमडी से मिले और उनसे पूछा कि सर ऐसा तो क्या आप इंसेंटिव दे रहे हो या ऐसा तो कौन सा आप लाइक कार्य उनके वो लोगों के लिए कर रहे हो कि जिसके कारण ये लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के अपने लाइक गेस्ट को बचाया। तो आपको जान के हैरानी होगी वो टाइम पे टाटा के वो अधिकारी का बयान था कि वैसा कोई भी हम एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, ठीक है, जो भी देते हैं हम उनको ट्रेनिंग, जो लोग समझो कि जिनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, दो दिन हुए थे वो लोग भी लोगों को बचा रहे थे, यानी कि ट्रेनिंग में भी हम ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं कि जिसके कारण वो लोग लोगों को बचा रहे थे। तो ये दो प्रोफेसर हार्वर्ड के फिर से ज्यादा कंफ्यूजन में आए कि भाई ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा है। तो उनको बाद में पता चला कि ये कंपनी के जो ओनर है, चेयरमैन है श्रीमान रतन टाटा जी, उनका जो लीडरशिप क्वालिटी था उससे इंस्पायर होके ये लोगों ने अपने जान पे बाजी लगा के भी लोगों को बचाया। तो उसका उदाहरण एक एग्जांपल वो है दोस्तों कि जब रतन टाटा जी ने ये अटैक हुआ ताज होटल पे जब अटैक हुआ तो वो अटैक के बाद विद इन 7 डेज जितने भी लोग वहां पे उनके एम्प्लॉय मर गए थे वो एम्प्लॉय को पूरे जिंदगी का तनख्वाह दिया विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, जबकि अपनी गवर्नमेंट उनको आज तक नहीं दे पाई है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज, रतन टाटा जी ने सिर्फ अपने एम्प्लॉय को नहीं, अपने होटल के बाहर जितने भी लोग फ्रूट सेलर थे, जितने भी लोग वेजिटेबल लाइक बेचते थे या बॉम्बे की समझो कि बेलपुरी बेचते थे, वड़ा पाव बेचते थे, उसमें भी जो लोग शहीद हुए थे वो सभी लोगों को भी मुआवजा रतन टाटा ग्रुप के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये सब चीज जब हुई तब रतन टाटा ने वैसा नहीं सोचा कि भाई मैं अगर दू तो मैं मेरे एम्प्लॉय को दू, मैं दूसरों को क्यों दू, ठीक है, ये सोच उनके अंदर कभी भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने क्या सोचा कि जो मेरे एम्प्लॉय के ऊपर या उनके फैमिली के ऊपर बीत रही है वही सेम चीज मेरे लाइक बाहर खड़े छोटे छोटे वॉकर्स को भी वो चीज लाइक मिट रही होगी उनके फैमिली के ऊपर।
तो इतनी दया दृष्टि से उन्होंने उनका भी हेल्प किया। और दोस्तों एक बार आतंकवादी हमला होने के बाद वो जगह पे कोई भी बंदा जाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रतन जी ने जो फैसला लिया था वो दिमाग से नहीं दिल से लिया था। तो दोस्तों आज भी होटल ताज में अगर आपको रूम बुक करवाना है तो वेटिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग वैसा सोचते हैं कि अगर रतन टाटा जी अपने एम्प्लॉई और अपने जो एम्प्लॉई नहीं है वो लोगों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हमको उनकी होटल में ही ठहरना चाहिए। बाहर के लोगों का ये जो रतन टाटा जी के प्रति या होटल ताज के प्रति जो रिस्पेक्ट बढ़ा उसके कारण दोस्तों उनका बहुत बड़ा धंधा बढ़ गया। बाकी दोस्तों समझो कि आतंकवादी हमला होने की जगह पे कोई रात रुकता भी नहीं है, उतनी ज्यादा दहशत अंदर होती है, ठीक है। फिर भी आज दोस्तों होटल पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है। ये दोस्तों लीडरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको अपनी डाउनलाइन को सिर्फ धंधे के लिए नहीं दोस्तों समझो, उनके जीवन में जो कोई भी छोटी मोटी जो कोई भी दिक्कत है उसमें आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं हेल्प की बात कर रहा हूं तो डाउनलाइन कभी भी कतई ही वो ना समझे कि हेल्प यानी कि पैसे की हेल्प। सिर्फ पैसे की हेल्प एक टाइप है, वो हेल्प का मैं कतई ही मैं नहीं बोलता हूं कि वो करिए, लेकिन उसको मोरल सपोर्ट, उसको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको पूरा का पूरा उसके फैमिली के प्रॉब्लम में भी देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप ये है, मैंने आपको रतन टाटा जी के एग्जाम्पल से आपको समझाया और आगे भी आपको बहुत कुछ क्लियर करूंगा। यहाँ पे आप एक स्लाइड करिए पहले। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने चेस का एक फोटो रखा है और दोस्तों आपको पता होगा कि चेस में प्यादे बहुत होते हैं, सिपाही बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन सेनापति या राजा, राजा या वजीर दोस्तों एक ही होता है। दोस्तों ये चीज से मैं आपको ये फोटो के माध्यम से एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट में समझो कि हम हर दिन बोलते हैं कि सर ये बहुत बड़ा लीडर है, ये वो है वो है, वैसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी कंपनी में 1.5 लाख के करीब डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें से लीडर लोग मात्र समझो कि 100 या 200 लोग होंगे, ठीक है, बाकी के सब वर्कर है, बाकी के सब सिपाही है। तो आपको अगर वो 100-200 लोगों के अंदर शामिल होना है तो आपके अंदर वो लीडरशिप के गुण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चेस की रमत में जैसे आपने देखा है कि भाई एक ही वजीर होता है, एक ही राजा होता है, बाकी सब चीज डबल डबल होल होती है और सिपाही तो अनेकों होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपको चेस की रमत की तरह आपको ये किंग बनना पड़ेगा या वजीर बनना पड़ेगा, राजा बनने लाइक राजा बनने पड़ेगा या आपको वजीर बनना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि चेस की रमत में जब राजा का मृत्यु हो जाता है तो पूरी गेम ओवर हो जाती है। वैसा ही अगर किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसकी लीडरशिप को खत्म कर दे तो वो पूरा कंपनी या पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों आज जो दीपक जी ने जो बात करी कि फिलहाल आज खड़ी है, तो दोस्तों फिलहाल आज अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के कारण नहीं खड़ी है दोस्तों, फिलहाल आज खड़ी है तो अपने लीडरों की लीडरशिप के कारण। जो लीडरों का ट्रस्ट जो मेरे पे या मेरी कंपनी पे या मेरे मैनेजमेंट पे जो है वो ट्रस्ट के कारण आज फिलहाल खड़ी है। तो लीडरशिप का दोस्तों इतना महत्व है कि हम जितने लीडर अपनी टीम में पैदा करेंगे, जितने लीडर आपकी टीम में पैदा होंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना आपका टीम का चेक बढ़ेगा। तो लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें उसको डेवलप करना है। दोस्तों मेरा तो वैसा विजन है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को हम लीडर बनाएंगे, ठीक है। और इसीलिए ये जूम मीटिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यही जूम मीटिंग को हम लोग यूट्यूब पे भी डालेंगे। जब भी आप किसी बंदे को ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले उसको बोलो कि भी एकाग्रता से पूरा का पूरा ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला मॉड्यूल तो सुन ले यूट्यूब पे जाके। जब वो पूरा क्लियर होके लाइक धंधा करने से पहले वो क्लियर हो जाएगा तो समझिए कि वो बहुत बड़ा काम करेगा और आपकी टीम में लीडरशिप आपको आप वहां पे विकसित होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या है लीडर वो आपको पता चल गया, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों क्यों लीडरशिप क्यों है जरूरी। तो उसका दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि लीडरशिप क्यों है जरूरी, क्योंकि लीडरशिप दोस्तों एक ऐसी चीज है कि जिससे आप चाहो तो करोड़ों रुपया कमा सकते हो, चाहो तो करोड़ों रुपये की वैल्यू बना सकते हो, ठीक है। और वो सर कैसे विकसित करना है वो मैं आपको आज गुरु चाबी भी देने वाला हूँ और लीडरशिप के गुण क्या होते हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर वो दोनों चीज आपने ग्रहण कर ली तो आप आज से जैसे ही ये एलडीपी खत्म होगी आप लीडर बन गए हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज को आप नोट करिए, समझिए। मैं आपको चाहे तो ये प्रेजेंटेशन भी फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन आप समझिए कि भाई लीडरशिप क्यों जरूरी है और वो सभी गुण और सभी गुरु चाबियां
आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो लीडरशिप क्यों है जरूरी, यहाँ पे मैंने एक चित्र दिखाया है आपको, यहाँ पे जो आपको एरो के पास एक बंदा दिखता है वो दोस्तों लीडर है, और उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो उसके फॉलोअर हैं। ठीक है, तो वो लोगों को हम लोग बोलेंगे कि जो लीडर है वो लीडर हमेशा अपनी टीम का ध्यान रखता है। जैसे कि ये बंदा देखो कि इशारा कर रहा है कि भाई ये साइड पे आओ, यहाँ पे हमको जाना है, और जैसे ही वो लीडर बोलेगा तो पूरा का पूरा जितने उसके फॉलोअर राउंड में मैंने दिखाए हैं वो सभी उसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप लीडर है, आपके अंदर सच्चाई है, लीडरशिप का पहला गुण है कि भाई आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपकी बात लोगों को सच्ची लगती है तो ये पूरा का पूरा जो लीडरशिप का जो एक कारवा, जो उसके फॉलोअर का कारवा है, वो आपकी तरफ पूरा झुकेगा और आप जहां पे बोलोगे वहां पे वो काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों लीडरशिप क्यों जरूरी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले ये पीपल का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, तो इसीलिए लोगों को मैनेज करने के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। और जब आपके पास लोग रहेंगे, लीडर रहेंगे, काम करने वाले वर्कर रहेंगे, तो आपका सेल ऑटोमेटिक होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों लीडरशिप जरूरी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए बोलूंगा दोस्तों। लीडरशिप के गुण दोस्तों, आज हम एलडीपी प्रोग्राम में दो मॉड्यूल को कवर कर रहे हैं, एक है लीडरशिप के गुण और दूसरा है लीडरशिप की गुरु चाबियां। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लीडरशिप के 18 गुण के बारे में बात करेंगे, और 18 गुण वो कौन से होने चाहिए कि वो 18 गुण अपने अंदर आने से ही हम अपने आप लीडर बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो 18 गुण क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पिक्चर है वो पिक्चर में जो ध्वजा लेके जो बंदा खड़ा है वो दोस्तों लीडर है, और उसके नीचे जो तीन लोग दिख रहे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो दोस्तों उनके फॉलोअर है। तो आपको कौन सा बनना है? आपको फॉलोअर नहीं बनना है दोस्तों, आपको लीडर बनना है। आपको वो ध्वजा लेके पूरा परचम लहराना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके अंदर ये 18 गुण होने चाहिए। मेरे सभी डायमंड लीडर, रॉयल क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, ये सभी लीडरों को, या नए जुड़े हुए एमराल्ड डायरेक्टर, या सभी लीडरों को एक ही चीज बोलूंगा कि आज आप लोग ये लीडरशिप के गुण चालू होने से पहले आप सभी एक बार अपनी आंखें बंद कर ले। ठीक है, 2 मिनट के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, और मैं जो चीज बोलता हूँ वो चीज को ग्रहण करें क्विकली। दोस्तों 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें प्लीज बंद कर दीजिए, और अभी जो मैं बोलता हूं वो आप ग्रहण करिए। दोस्तों आज तक मैं जो कोई भी पोजीशन के ऊपर हूं, आज से मैं कुछ नहीं हूं। मैं अगर डायमंड हूं तो भी वो एक कंपनी का पोजीशन है, लेकिन मैं अपने आप के अंदर वो गुरूर कभी नहीं रखूंगा कि मैं एक डायमंड हूं। दोस्तों जितना भी मैंने आज तक ग्रहण किया है वो सब मैं, सारा या खराब जो कुछ भी है वो सब मैं मेरे दिमाग से निकाल रहा हूं। ठीक है, और आज जो लीडरशिप के गुण यहाँ पे जो प्रेजेंट किए जाएंगे वो सभी गुण 18 के 18 गुण में अपने अंदर लाइक लेने का प्रयास करूंगा, और जितनी भी गुरु चाबियां दी जाए वो सभी गुरु चाबी मैं यूज करूंगा। और अभी से जितना भी यहाँ पे लीडरशिप के गुण या गुरु चाबी के रूप में दिया जाएगा वो ही सिर्फ मेरे माइंड में रहेगा, बाकी का सब कूड़ा कचरा मैं यहां से आज फेंक के जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आंखें खोल दो और एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो खुद के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्यों जरूरी है दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लीडर लोग भी बैठे हैं, बहुत सारे वैसे लोग भी जो फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो एक मीटिंग को एक लेवल पे लाने के लिए ये चीज जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जब डायमंड लीडर अपनी पोजिशन साइड पे रखकर एक समझो कि एक सामान्य व्यक्ति की तरफ बैठेंगे तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सभी लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह लाइक बैठेंगे तो सभी को एक समान जो कंटेंट यहाँ से जा रहा है वो सर ग्रहण होगा। दूसरी चीज वो है दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी पोजीशन का गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज का अभिमान करते हैं तो वहां पे आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, और जब लर्निंग स्टॉप होती है तो अर्निंग स्टॉप होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन रूल है कि लर्निंग से ही अर्निंग आएगी, अगर लर्निंग स्टॉप तो अर्निंग भी स्टॉप। ठीक है, तो आपको ये सब चीज एकदम जीरो लेवल पे आपको अपने आप को लाना है, और अभी हम लोग वन बाय वन जो भी गुण हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वो आपको लेने का पूरा प्रयास करना है अपने अंदर। ठीक है, तो दोस्तों करण भाई को बोलूंगा कि फर्स्ट गुण प्रेजेंट किया जाए। जी दोस्तों,
सबसे पहला गुण लीडर का वो है कि अगर वो कोई मीटिंग में जाता है अपनी डाउनलाइन के साथ तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, उसका पहरवेश सबसे अच्छा होना चाहिए। भले वो लीडर कुछ बोले ना बोले, जैसे ही उसका फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट प्रोस्पेक्ट के सामने हो तो उसके तुरंत बाद वो प्रोस्पेक्ट के माइंड में वैसा जाना चाहिए कि नहीं, मैं ये लीडर के साथ काम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा पहरवेश पहन के जाएगा, ठीक है, और सामने वाले को कुछ बोलेगा नहीं, तो भी वो बंदा अपने आप को एक क्वेश्चन करेगा कि अगर ये बंदा अपने से मीटिंग करने के लिए आया है फिर भी इतना अच्छा तैयार होके आया है, इतना प्रोफेशनल वे से आया है, तो ये बंदे के अंदर एक कोई ना कोई चीज है कि जिसके कारण मेरे को इसके साथ काम करना चाहिए। दोस्तों बिलीव मी, मैंने ये पॉइंट क्यों पहला रखा है, क्योंकि आप कोई भी मीटिंग में जब जाते हैं, कोई भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो प्रोस्पेक्ट जब तक आप बोलते नहीं है तब तक आपको 50% एनालाइज कर चुका होता है, और वो 50% में एनालाइज में उसके सामने क्या आती है, सबसे पहली चीज उसका पहरवेश, अच्छा पहरवेश, ठीक है। अगर उसका यूनिफॉर्म प्रोफेशनल है तो वो बंदा तुरंत से उसके साथ 50% जुड़ जाएगा, और 50% फिर आपका प्लान और प्रोडक्ट देख के जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपना पहरवेश बहुत ही अच्छा रखना है। मैं अपनी जितनी भी बहन है फिलान फैमिली में, उनसे दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई प्लान करने के लिए जाते हैं तो आपका पहरवेश एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, वैसा शॉर्ट्स या वैसा कुछ भी पहन के न जाइए, क्योंकि फिलहाल अपना फैमिली है और फैमिली में फैमिली की तरह ही हमको एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए, और उसके मुताबिक आपका जो पहरवेश है वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए कि जिसके कारण आपकी जो वैल्यू सामने वाले के माइंड में है वो एक प्रोफेशनली अच्छी जाए। मैं यहाँ पे कुछ लेडीज लीडर जो अपनी है, जैसे कि मैं यूपी की हमारी लीडर है टीआरएस परिवार की रागिनी मैडम, तो रागिनी मैडम जब भी प्लान करती है, जब फोटो उनके आते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उनका पहरवेश से लेके हर एक चीज प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप, जैसे कि हमारी पारुल मैडम है गुजरात से, वो भी जब भी कोई मीटिंग के लिए जाती है तो वो भी एक अच्छा पहरवेश पहन के ही जाती है। हमारी रिद्धि मैडम है तो कभी भी वो मीटिंग करती है तो फिलान की टी शर्ट होगी या तो फिर लाइक ड्रेस होगा या वैसा होगा कि जो हमारी वैल्यूज को छाजे, ठीक है। तो ऐसे हमारी ग्रेट लेडीज लीडर को हम सलाम करते हैं यहाँ से, और ऐसे अच्छे पहरवेश के साथ अगर आप लाइक मीटिंग करेंगे तो वहां पे आपकी जो वैल्यू है वो सामने वाले के माइंड में बहुत ही अच्छी जाएगी। मैं अगर लाइक पुरुष मित्रों की बात करूं, अपने पुरुष डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, तो वो लोगों को भी जब भी आप जाते हैं तो आप प्रोफेशनल पैंट शर्ट पहन के जाइए। मैं वैसा नहीं बोलता हूं कि भाई आप टाई पहन के जाइए, सूट पहन के जाइए, अगर आपके पास है आप जा सकते हैं तो वो दी बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदे को मैच्योर पर्सन ज्यादा पसंद है, और वो मैच्योरिटी आपके पहरवेश से ही आती है, ठीक है। तो आपका पहरवेश एकदम साफ सुथरा, लाइक आयन किया हुआ, ठीक है, इस्त्री किया हुआ होना चाहिए, और भले आपके पास एक ही पैंट शर्ट है लेकिन उसको आप उतना अच्छी तरीके से यूज करो, क्योंकि जब आप कोई बंदे को मिलने के लिए जाते हैं तो उसको पता नहीं है कि भाई आप यही पैंट शर्ट पहन के मीटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो आप पहली बार ही है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी पैंट शर्ट पहन के जाए तो वो पूरा फॉर्मल होना चाहिए, अगर हो सके तो टाई लगा के जाइए, हो सके तो कोटी लगा के जाइए, हो सके तो ब्लेजर पहन के आप जाइए। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो इमेज है वो इमेज सामने वाले के माइंड में बहुत ही अच्छी जाएगी, और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 50% मैं वेटेज देता हूं अच्छे पहरवेश को। अगर आपका पहरवेश अच्छा रहा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रही, तो सामने वाला कन्विंस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, पुरुष और स्त्रियों को, कि अपना पहरवेश एक सांस्कृतिक होना चाहिए, कोई शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के नहीं जाना चाहिए, अच्छा पहरवेश पहन के ही हमको प्लान और मीटिंग करनी चाहिए। करण भाई नेक्स्ट गुण। दोस्तों सेकंड गुण अगर मैं बात करूं लीडरशिप का जो आपके अंदर होना चाहिए अच्छा पहरवेश के बाद, वो है दोस्तों आपके अंदर की विनम्रता, ठीक है। जब भी कोई आपकी छोटी सी भी मदद करे तो आप उसको अप्रिसिएट करें दोस्तों। मैं यहाँ पे प्रोफेशनली छोटी मदद की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि आप अपनी रोजमर्रोज जिंदगी की भी आप लाइक छोटी छोटी बातों में एप्रिसिएशन को लाइए दोस्तों। एक और चीज मैं क्लियर करूंगा कि अगर लीडरशिप के 18 गुण अगर आपने ये अपने अंदर ग्राह्य कर लिए तो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन में नहीं दोस्तों, आपके पारिवारिक संबंधों में भी आपकी लीडरशिप दिखेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि भाई लीडरशिप सिर्फ धंधे के लिए जरूरी नहीं है, वो अपने पारिवारिक रिलेशन के लिए भी जरूरी है,
अपने समझो कि लाइक बिजनेस के लिए भी जरूरी है और हर एक जगह पे लीडरशिप दोस्तों जरूरी है। तो ये जो 18 गुण जो लीडरशिप के है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के तक ही सीमित नहीं है, वो 18 गुण आपको अपनी सभी जिंदगी में सभी टाइप में आपको लीडरशिप डेवलप करने के लिए जरूरी है। तो आपको लीडरशिप सिर्फ धंधे में नहीं हर एक चीज में आपको डेवलप करनी है। तो दोस्तों दूसरा गुण जो गुण मैंने बताया विनम्रता, जो लोग आपकी छोटी छोटी सी भी मदद कर रहे हैं वो लोगों को आप एप्रिशिएट करिए। ठीक है, कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं दोस्तों बताता हूँ आपको। दोस्तों आप कोई साग भाजी यानी कि वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे जब भी आप वेजिटेबल्स लेते हैं पैसा देते हैं उसके बाद उसको थैंक यू बोलो कि भाई थैंक यू तूने मेरी मदद की। जैसे कि ये फोटो में मैंने दिखाया है कि ये बंदा इसको एप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप छोटी छोटी जगह पे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी जगह पे फॉर एग्जाम्पल आप अपने कपड़े आयरन करवाने के लिए कोई धोबी को दे रहे हैं, वहां पे जाते हैं उसने आपको करके दिया तो आप वो उसको भी थैंक यू बोलो कि भाई तूने मेरे कपड़े प्रेस करके दिए, धन्यवाद। हमारे में से बहुत सारे लीडर वैसे हैं दोस्तों, मेरे को कहते हुए थोड़ा लाइक हंसी आ रही है कि वो लोग वैसे बोलेंगे कि सर उसको उसका पैसा दिया जाता है तो हम उसको लाइक थैंक यू क्यों बोले। वेजिटेबल वाले से जब हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो हम उससे लाइक उसको उसका पैसा भी देते हैं तो हम उसको थैंक यू क्यों बोले। ठीक है ना, ये आपको आया होगा माइंड में दोस्तों, हमको उसके लिए नहीं, हमको हमारे लिए थैंक यू बोलना है। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आप एक चीज नोटिस करना दोस्तों कि आपको अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं उसको थैंक यू बोल रहा हूँ। सही है कि नहीं? ठीक है, मैं एक दो लीडर को थोड़ा अनम्यूट करूंगा कि जिसके कारण थोड़ा ये सेशन लाइव दिखे। है अपने राकेश जी, है राकेश रावतरे जी या दिनेश जी को आप अनम्यूट कर लीजिए। राकेश जी जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। जी सर। सर सही बात है ना जो बोल रहा हूँ मैं विनम्रता का? यस यस सर। जब भी सर अपनी शॉप में अपनी स्टेट फ्रेंचाइजी में कोई भी बंदा एक शॉप लेके जाता है तो आप उसको थैंक यू बोलो कि यार तूने मेरा फिलान का प्रोडक्ट लिया, तूने मेरे पे, मेरी कंपनी पे, मेरे सीएमडी पे आपने विश्वास किया है तो उसके लिए आपको थैंक यू। नहीं वही थी सर, जब कोई भी नया बंदा आ रहा है फ्रेंचाइजी पे हाँ। तो उनको ऐसा अप्रिशिएट करवाना चाहिए जैसे कि वो सोच सके ये फिलान मेरा कंपनी है, उसके मन में आए कि मैं फिलान के लिए क्यों काम करूं, उसको ऐसा जैसा रिकॉग्नाइजेशन पहले हम करते हैं कोई लीडर बनते हैं तो उसके बाद तो पहले हमको कोई फ्रेंचाइजी में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है तो उसको ऐसा रिकॉग्नाइजेशन किया जाए जैसे कि वो सोच सके कि फिलान मेरा कंपनी है। बिल्कुल। उसका रिजल्ट क्या है, उसमें क्या मिलेगा, उसका क्वालिटी क्या है, वो कितना दिन से आ रहा है, हमको भी मेरे को क्या फायदा मिला है उसमें, मैंने कितना यूज किया है वो प्रोडक्ट को तो तभी ये सब यूजर्स और उसको ये जब का जो हमारा जो उपकारिता है वो सब उनको पहले बोलना चाहिए जैसे कि वो अप्रिशिएट हो सके और हमारे लिए आगे जाके कुछ काम कर सकते हैं, उसका मन में ऐसा माइंड डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल राकेश जी, तो ये पॉइंट हमको हर एक जिंदगी में भी लाइक हमको अप्लाई करना है। मैं अपने यूपी के होनहार टॉप लीडर और मेरे गुरु कहूं तो वो गलत नहीं होगा, डॉक्टर हितेंद्र नाथ चौबे जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। चौबे जी थैंक यू सर। चौबे जी अगर विनम्रता की बात करें तो उसके आप गॉडफादर हैं फिलहाल में, जो आपके अंदर जो विनम्रता है, जो आप हमारे स्टाफ से बात करते हैं, जो आपका बात करने का तरीका स्टाफ के साथ, मेरे साथ, क्रूनी भाई के साथ एक जैसा होता है और जिसके कारण जब आपका फोन आता है तो हमको सामने से वैसा लगता है कि रिसीव करके बात करें। ठीक है, उतनी विनम्रता आपके अंदर भरी है सर। तो आपसे सर थोड़ा फिलहाल परिवार थोड़ा सीखना चाहेगा कि विनम्रता का क्या महत्व होता है। थैंक यू सर, मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक्स सर। जब आपने विनम्रता की बात की और सर हम जब प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में विनम्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है सर। और रही बात की ये कुछ कहने के पहले मैं आपके विषय में कहना चाहूंगा सर कि जब मैंने फिलान को ज्वाइन किया था और जब आपने आज जो लीडरशिप का जो सेशन चल रहा है तो इसमें मैंने आपको बखूबी से सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने आपको बखूबी से इवैल्यूएट किया, आपका इवैल्यूएशन किया और उस इवैल्यूएशन के बाद जब मैं आपको पूरी तरह से समझ गया, आपके विजन को मैं समझ गया सर। मेरे यहाँ जो हमारी टीम है बहुत से लोग कहते हैं
कि सर आप लोग इतने विनम्र हैं, तो मैं यही कहता हूं कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, क्योंकि जब मैं अपने सर से मिलता हूं, जब मैं सीएमडी सर से मिलता हूं सर, तो मैं उनसे इतना इंस्पायर होता हूं, और मुझे लगता है कि हम अगर अपनी टीम में भी यही स्थान बना पाए तो जो लीडरशिप है या जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो वास्तविक स्वरूप है वही निखर करके सामने आएगा। इसमें सर एक बात बस मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जब हम आपको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तब फिर हम अपने आप को पूरी तरह से सबमिट करते हैं, तभी हम अपने आप को सबमिट करते हैं, मतलब कि सर जो हम हैं उसी तरह से ओपन हो जाते हैं आपके सामने। तो और निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि दो वर्ष के दौरान मैं फिलहाल को समझ पाया हूँ, और समझने के बाद आज का जो सेशन जो आप कर रहे हैं ये हमारे सारे लीडर के लिए भी उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ करके जो होगा आएगा। और आज के बाद जो विनम्रता की बात आपने की है कि जैसे जैसे फिलान को हम समझते जाएंगे हम और विनम्र होते जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर। और सर मैं एक और चीज बोलूंगा चौबे जी, कि जो आपने बात की कि लीडरशिप एक विजन को पास करने का बिजनेस है, समझिए वन टाइम ऑफ। अगर आपने आपकी टीम में, ठीक है, आपकी पूरी टीम में फिलान का विजन क्या है उसकी क्लियरिटी आपने कर दी, अगर आपने आपकी डाउनलाइन को इंस्पायर कर दिया कि भाई ये विजन के साथ हमको काम करना है, ये इसके साथ हमको काम करना है, तो वो बंदा दिल से आपके साथ जुड़ेगा। और उसके लिए विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लीडर वैसे देखे हैं कि जो बोलते हैं भाई मैं तो डायमंड हूं, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तो डायमंड हो चुका हूं, मैं रॉयल क्राउन डायमंड हूं, ठीक है, मैं प्लान नहीं करूंगा, मेरा काम है भाई मैं लीडरों को मैनेज करूंगा। वैसा नहीं दोस्तों, आज भी दोस्तों मैं वैसा बोलता हूं कि अगर मेरे को मेरी ऑफिस में अगर झाड़ू पोछा लगाना पड़े तो भी मेरे को आज भी वो काम उतने ही शौक से मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस मेरी है तो उसको सजाना मेरा काम है। तो वैसा ही एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, कोई भी छोटे से छोटा काम करने से इतराना नहीं चाहिए। मैं एलडीपी प्रोग्राम की बात करूं, हमारे जो माउंट आबू में हुआ डायमंड सेलिब्रेशन और एलडीपी प्रोग्राम, वहां पे भरत भाई छतरालिया की मैं बात करूं, मेरे लीडर और मेरे बड़े भाई जैसे हैं दोस्तों, उनका उतना विजन क्लियर है कि वो छोटे से छोटा काम वो खुद ही करते हैं। और जब उनको लीडर बोलते हैं कि सर हम लोग बैठे हैं क्यों आप कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं मैं मेरा काम है तो मैं ही करूंगा। और वो पूरा लाइक एलडीपी प्रोग्राम की अगर पूरी जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेहनत उसको सफल करने के लिए भरत भाई ने की। तो ऐसी क्वालिटी जब आपके अंदर आएगी, आपकी टीम वो देखेगी कि आप कोई भी काम करने से नहीं इतराते, तो वो भी कल जाके नहीं इतराएगी जब बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों विनम्रता लीडर के अंदर होनी चाहिए, और ये गुण दोस्तों आपके अंदर फुट फुट के भरना है, अच्छा पहरवेश तो होना ही चाहिए, साथ में अपनी वाणी में विनम्रता लानी है डॉक्टर हितेंद्रनाथ चौबे जैसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि विनम्रता से लोगों को विनम्र व्यक्ति ज्यादा पसंद है, और लीडरशिप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि आप विनम्र रहे। तो आज से हर एक फिलानियन परिवार का हर एक सदस्य अपने जहां पे भी है, वो आज से ही हर एक छोटा छोटा काम अपना करने वाले हर एक बंदे को विनम्रता से अप्रिशिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई काम वाली बाई आ रही है, ठीक है, और वो आपके घर को साफ कर रही है, उसके लिए भले ही आप उसको पैसा दे रहे हैं फिर भी आप उसकी वो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए, आज नहीं तो कल वो आपको बोलेगी कि सर आपके जैसा कोई नहीं है, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तब वो बाकी सबको छोड़ के आपके घर में पहले आएगी, ये मेरा दावा है आपसे। अगर आप कोई जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल हितेंद्रनाथ जी लाइक यूपी में एक कॉलेज में प्रोफेसर है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां पे अगर आप अपने प्यून को हर एक समय अप्रिशिएट करिए कि भाई कैसा है, सब सही है कि नहीं है, कुछ दिक्कत है तो मेरे को बताइयो, मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है, ये सब चीज जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप देखिए कि वही प्यून 3-4 दिन के बाद आप पानी नहीं मांगोगे तो भी आपके लिए वो पानी का ग्लास लेके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विनम्रता हर एक बंदे को पसंद है, हर एक व्यक्ति को पसंद है, तो ये गुण आपके अंदर आज से ही आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जितनी भी आपकी लाइफ में हो रही है, और छोटे से छोटी मदद जो कोई भी आपको कर रहा है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, आप ग्रोसरी स्टोर में गए हैं, कोई भी ग्रोसरी ले रहे हैं, तो ग्रोसरी लेने के बाद पैसे देने के बाद उसको बोलिए कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गुजरात के लीडरों को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जब भी आप सब्जी लेने के लिए जाए या फ्रूट लेने के लिए जाए तो कोई भी उसका नेगोशिएशन मत करिए, ठीक है, कि भाई ये 40 रुपए किलो तू दे रहा है तो नहीं मेरे को 35 में दे,
उसको 40 का 40 पूरा दे, या हो सके आपके पास 10 ज्यादा है तो 50 रुपए दीजिए, 45 रुपए दीजिए, ठीक है। वो आप जब देंगे तो उसके माइंड में आपकी इमेज एक लीडर की हो जाएगी कि भाई मैं लॉरी लेके खड़ा हूँ, सुबह से शाम लोग मेरा समझो कि नेगोशिएशन ही करते हैं, लेकिन ये बंदा वैसा है कि वो बिना नेगोशिएशन किए मेरे को पूरा पैसा देता है, या मैंने जो मांगा उससे 5 रुपया ज्यादा दे रहा है। दोस्तों 5 रुपया 10 रुपया हम रास्ते में जाते हुए भिखारी को देते हैं, लेकिन ऐसे काम करने वाले नेक लोगों को देने से इतराते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा सा लीडर बनना है, अच्छा सा इमेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपके अंदर विनम्रता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और विनम्रता से आप लोगों को उतना फायदा होगा कि जब आप वो दूसरे तीसरे चौथे दिन जब आप वही बंदे से फ्रूट या वेजिटेबल लेने के लिए जाएंगे, तो वो भले दूसरों को 40 रुपए में देता होगा, आपको स्ट्रेट अवे वो 35 रुपए में देगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। और ये चीज आप आजमा के, एक छोटी सी चीज आप करके देखना, और वो 5 रुपए ज्यादा देने से आपके अंदर 5 लाख रुपए की खुशी आएगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आपको दोस्तों विनम्रता से ये चीज करनी है। मैं लाइक नेक्स्ट थर्ड गुण में जाऊंगा दोस्तों। तीसरा और महत्वपूर्ण गुण है मोटिवेटर। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो आपकी डाउनलाइन को कॉन्स्टेंट मोटिवेट करें। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बंदा वेट को लिफ्ट कर रहा है और उसके सामने दूसरा बंदा उसकी अपलाइन है, आप वैसा समझ लीजिए, ठीक है। जो बंदा वेट लिफ्ट कर रहा है वो बंदा डाउनलाइन है, और जो बंदा उसको एप्रिसिएट या उसको मोटिवेट कर रहा है वो बंदा उसकी अपलाइन है दोस्तों, ठीक है। तो जब उसको पता है कि भाई ये मेरे से ऊंचा नहीं होगा, तो उसको वो मोटिवेट कर रहा है कि नहीं तू कर सकता है, ठीक है। तो हर वक्त आप अपनी टीम को उसको मोटिवेट करिए, और पॉजिटिव वे से मोटिवेट करिए डाउनलाइन को। जब भी डाउनलाइन आपके पास आती है तो आप उसको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा बता के उसको मोटिवेट करिए, और उसको काम करने की क्षमता दीजिए। दोस्तों आपने संदीप महेश्वरी जी की एक अच्छी सी स्टोरी यूट्यूब पे सुनी होगी कि भाई दो बच्चे जा रहे थे, एक 7 साल का था, एक 15 साल का था। 7 साल का लाइक 15 साल का बच्चा वो कुएं में गिर गया, और 7 साल वाले बच्चों ने बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया। तो फिर गांव में गए तो गांव में बोला गया कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो छोटा था, छोटे ने बड़े को कैसे बाहर निकाला, ठीक है। लेकिन जब वहां पे एक बुजुर्ग ने बताया कि नहीं ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसने वैसा सोचा कि मैं वो टाइम पे वैसा नहीं सोचा कि मैं छोटा हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं। उसने वैसा सोचा कि मेरे को मेरे लाइक भाई को, मेरे से मेरे बड़े भाई को बचाना है, तो इसलिए उसने वो रोप की हेल्प से वो बंदे को बाहर खींच लिया। तो यही चीज है दोस्तों, अगर आपकी डाउनलाइन भले ही थोड़ा कमजोर है नॉलेज के बारे में, लेकिन अगर आप उसको अच्छा सा मोटिवेट करेंगे, धीरे धीरे नॉलेज देंगे, तो 100% वो अनएक्सपेक्टेड काम करके आपको दिखाएगा। दोस्तों मोटिवेशन में वो पावर है कि आप लाइक मरे मुर्दों को भी आप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको हर वक्त करनी है, आपको अपनी डाउनलाइन को कॉन्स्टेंट मोटिवेट करना है, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। तो तीसरा गुण आपके अंदर मोटिवेशन, यानी कि आप बहुत ही अच्छे मोटिवेटर होने चाहिए, ठीक है। पहला अच्छा पहरवेश, ठीक है, दूसरा विनम्रता, और तीसरा अच्छे मोटिवेटर होना लीडरशिप के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। करण भाई को बोलूंगा कि फोर्थ क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। चौथा क्वालिटी दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि लीडर हमेशा निराभिमानी होते हैं, लीडर के अंदर कभी भी अभिमान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी पोजीशन के ऊपर आप पहुंच जाओ, आपके अंदर वो अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर 0.00001% भी अभिमान आ गया, तो समझो कि आपकी पूरी डाउनलाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए जितना आपका रैंक बढ़ता है, उतनी आपके डाउनलाइन के प्रति आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए। डाउनलाइन कभी भी आपके बारे में लाइक समस्या में आपके बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, उतने आप निराभिमानी होने चाहिए। और दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि लीडर्स लीड्स विद फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पे रहकर ही लीडर लीड करते हैं, ठीक है। और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल वो है कि आप कोई भी चीज अगर आप अपनी टीम में करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे यूपी के होनहार लीडर, जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरे को बताया सर मैं भी स्टार्ट करूंगा। उन्होंने स्टार्ट किया तो पूरी यूपी की टीम निकल पड़ी 5:30-6 बजे, ठीक है। तो ये लीडरशिप का कमाल है दोस्तों, कि आप कोई छोटी सी चीज अपने लिए भी करते हैं तो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, और आपको लाइक लास्ट ब्रेथ तक फॉलो करते हैं। दोस्तों लीडरशिप में वो कमाल है कि आप देखो कि बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है सैलरी के रूप में, फिर भी वहां पे लाखों लोग अपना समय और
धन दोनों दे के काम करते हैं दोस्तों, तो वो क्यों? क्योंकि वो लीडर से इंस्पायर होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो दोस्तों लीडर के अंदर निराभिमानी का गुण होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी चीज का अभिमान ना करे और अपने डाउनलाइन के सामने कतई ही कोई भी चीज का अभिमान ना करे। जब आपके अंदर से अभिमान चला जाएगा तो आप ऑटोमेटिक लीडर बन जाएंगे। दोस्तों ये गुण अपने आप में ग्रहण करना बहुत ही कठिन है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके अंदर वो अभिमान अहंकार छलकना नहीं चाहिए कि भाई मैं डायमंड लीडर हूं या मैं कौन हूं। ठीक है, तो दोस्तों चौथा गुण आपके अंदर होना चाहिए वो है निराभिमानी, यानी कि अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके बाद करण भाई को बोलूंगा। या लीडरशिप का पांचवा गुण है दोस्तों कि एकाग्रता से सुनने वाले। ठीक है, कोई भी चीज आपकी डाउनलाइन आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रही है, प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रही है, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है दोस्तों। वैसे ही टूट नहीं पड़ना है कि भाई नहीं तेरे को ये नहीं आता, तू हर वक्त लाइक कंप्लेन ही करता है, ऐसा लाइक गुस्से में आके कोई भी बात बोलनी नहीं। पहले आप उसको पूरा एकाग्रता से सुनिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम उसका लाइक सही है तो आपको उसको सॉल्व करना है, गलत है तो उसको शांति से समझाना है कि भाई देख तू यहाँ पे गलत है, ये बात एथिकली सही नहीं है। दोस्तों जब भी मेरे कोई लीडर से बात होती है तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि फिलहाल को एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना है। उसका मतलब ही वही है कि भाई एथिक्स यहाँ पे प्रायोरिटी पे होने चाहिए। जब एथिक्स रहेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक हूबहू लाइक डेवलप हो ही जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी या आप मानो कि आप अपनी डाउनलाइन के साथ कोई भी जगह पे प्लान देने के लिए गए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट दिखाने के लिए गए हैं, तो वहां पे जाके आपको अगर सामने वाला व्यक्ति प्रोस्पेक्ट कुछ बोलना चाहता है तो आपको पहले धीरज से शांति से उनको सुनना है और सुनने के बाद बोलना है सर अगर आपका अगर खत्म हुआ हो तो अभी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 100 में से 99 लोग बहुत बुरी तरह से घायल है, समझिए। तो वैसे भी लोग मिलेंगे बहुत बुरी तरह से घायल लोग भी मिलेंगे कि जो आपकी बात ही ना सुने। ठीक है, तो वो चीज लाइक आपको करनी है और वो चीज में एकाग्रता से आपको सुनना है। और एकाग्रता से जब आप सुनेंगे सामने वालों को सुनेंगे कि भाई उसको जितना भी गुस्सा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वो बड़ा उसको निकालने दीजिए कि भाई मेरी ये कंपनी में इतना लॉस हुआ, इसमें ये हुआ वो हुआ। उसको सुनने के बाद आपको बोलना है कि सर वहां पे भले ही हुआ होगा लेकिन फिलहाल में आपका कोई लॉस किया है, जयमीन पटेल ने कोई आपका लॉस किया है तो बोलिए, मैं आपको डायरेक्ट बात करा रहा हूँ। ठीक है, हर एक इंसान लाइक गलत होगा वो जरूरी नहीं है, हर एक कंपनी गलत होगी वो जरूरी नहीं है। सर आप एक बार छोटी सी शुरुआत करिए, ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री है, वहां से आप 2-5 प्रोडक्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, वो प्रोडक्ट का कॉस्ट देख लीजिए, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी देख लीजिए, और अगर आपको यूज करने के बाद लगे कि नहीं ये बेहतरीन क्वालिटी वाले हैं तो ही आप कंपनी में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग हुई या तो ही आप अपना आईडी ग्रीन करवाइए। जब आपकी ये निराभिमानी या समझो कि विनम्रता वाली बात सामने वाला सुनेगा तो दोस्तों 100% मैं यहां से दावा ठोक के बोलता हूं कि आपको 100% आपके साथ वो ज्वाइनिंग होके काम करेगा। तो आपको किसी भी बंदे को लाइक अच्छी तरह से सुनना है, एकाग्रता से सुनना है कि भाई उसको दिक्कत कहां पे आई है और वो दिक्कत सुनने के बाद वो दिक्कत का सॉल्यूशन फिलहाल में क्या है वो उसको समझाना है। तो ये चीज को आपको लाइक अपने डाउनलाइन के साथ भी आपको एकाग्रता से सुनना है और साथ में जब आप मीटिंग करने के लिए प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हैं, प्रोस्पेक्ट को जब प्लान प्रेजेंट करते हैं तभी भी प्रोस्पेक्ट को पूरा सुनना है। जैसे कि ये फोटो में आप देख सकते हैं कि भाई ये लाइक चश्मे वाला बंदा कितना एकाग्रता से वो दूसरे बंदे को सुन रहा है और दूसरा बंदा जब वो ऐसा विजन पास करता है इतना उत्साह से तो वो चश्मे वाला बंदा 100% वो विजन को ग्रहण कर लेगा। और दोस्तों लीडर का सबसे बड़ा गुण वही है कि वो विजन को पास करे, विजन को दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों के माइंड में सिलेक्ट करे। ठीक है, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट गुण जो छठा गुण है करण भाई को बोलूंगा कि वो जरा करे। असंतोषी, मैं अपने यहाँ पे कुछ डायमंड लीडर को अनम्यूट करना चाहूंगा कि भाई लीडर बहुत सारे लोगों ने आपको आपने सुना होगा कि भाई लीडर संतोषी होने चाहिए लेकिन जयमीन सर बोल रहे हैं कि असंतोषी होने चाहिए, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है? मैं मेरे लाइक रॉयल डायमंड लीडर निनाद सातविड़कर जी अगर सुन सकते हैं मेरे को तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा और उनसे सुनना चाहूंगा कि भाई असंतोषी लीडर क्यों होना चाहिए, संतोष क्यों नहीं करना चाहिए लीडर। अगर नीनाथ जी नहीं हो रहे हैं तो सोमनाथ जी अगर है तो सोमनाथ दोस्त जी हमारे एक और रॉयल डायमंड। सोमनाथ सर। यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग, जय फिलान सर। जय फिलान। और सर, बस सर आपसे सुनना था कि लीडर क्यों असंतोषी होने चाहिए, आपका फीडबैक। लीडर असंतोषी इसीलिए होना चाहिए सर। हाँ, जस्ट लाइक हम सबको कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पिताजी हमको खाली हमारा सुनते नहीं है, हमको डांटते भी है कभी। ठीक है, हमारे जो बड़े गार्जियन होता है वो कभी कभी हमको खाली प्यार ही नहीं करते, हमको डांटते भी है, क्योंकि वो असंतुष्टि कभी कभी इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमको बड़े बनाने के लिए। कभी कभी उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखा है तो उनको लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, बेटा तो वो मांग लेता है, लेकिन उस पिताजी को पता है, होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी अपने बेटा को असंतुष्ट वो करता है, लेकिन वो भले के लिए करता है। ठीक है, तो असंतुष्टि कभी कभी बनना चाहिए हमको, ताकि दूसरे को अपना लीडर बनाने के लिए, सिखाने के लिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए राजूदा मेरे को बोला है किस बात को चलना है, तो मैं जब देख रहा हूँ कि राजूदा खुद कर सकते हैं, मैं जाऊंगा तो ये मेरे ऊपर ही आ जाएगा, मैं ही हीरो बन जाऊंगा, लेकिन मेरा हीरो बनाना है राजूदा को। तो इस जगह पे उसको थोड़ा सा असंतुष्टि होगा, लेकिन जब वो कामयाब हो जाएगा तब उनको लगेगा कि यार हाँ मेरा अपलाइन सही था। तो असंतुष्टि कभी कभी बनना चाहिए, बिल्कुल मेरा हिसाब। बिल्कुल सर, आपका सर लाइक बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया, उसको मैं थोड़ा और इलोबरेट करता हूँ कि असंतोषी क्यों होना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए कि अब्दुल भाई का 232,000 प्लस का चेक ये महीने का आया, अभी हमारा प्लानिंग वैसा है कि वो पूरी जिंदगी 232,000 प्लस तो आएगा ही आएगा। अभी एज अ लीडर अब्दुल भाई का अगर मैं पूछूं, अब्दुल भाई को अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो जरा करिए अब्दुल भाई को, तो उनसे ही हम प्रैक्टिकली सुने कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब्दुल भाई प्लीज जरा अनम्यूट होइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सर आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा असंतोषी के बारे में। बिल्कुल सही सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सर जिंदगी में कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए सर। अभी मान लीजिए 1,00,000 रुपए आ रहा है तो 2,00,000 आने ही चाहिए सर। बिल्कुल, अभी सर ये इस महीने का लास्ट महीने का 231,000 चेक है, तो सर मेरा इस महीने का गोल है सर, उसको सर 1.5 गुना या 2 गुना करना, ये मेरे लिए कंपलसरी है सर। बिल्कुल सर, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, तो हमारे डाउनलाइन का गोल बड़ा होगा, हमारा गोल अगर छोटा है, हम मान लीजिए अगर 50,000 कमाने के गोल रखते है तो हमारी डाउनलाइन 10,000-20,000 कमाने का गोल रखेगा ना। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। बिल्कुल, और वो क्वेश्चन वो है सर कि आपका अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से रहे तो एक महीने के अंदर सर आपका लाइफ बहुत ही अच्छी तरह, लाइक गाड़ी आप मेंटेन करें, घर मेंटेन करें, सब व्यवहार मेंटेन करें, तो आपका सर एक महीने का खर्चा कितना होगा मैक्सिमम? सर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो गाड़ी का सब कुल मिला के सर 25,000-30,000 या 40,000 रुपए। ठीक है ना, 40,000 में आप अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं, रॉयल लाइफस्टाइल जी सकते हैं सर, रॉयल लाइफस्टाइल जैसे बोलते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों देखो अभी मैं एक चीज समझाता हूँ, 40,000 भी अब्दुल भाई को चाहिए, ठीक है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन आ रहा है 232,000, तो अभी अब्दुल भाई अगर वैसा सोचे कि भाई 232 आ रहा है मेरे को चाहिए 40, तो भाई मैं क्यों मेरी टीम के लिए दौड़ू। ठीक है, अगर अब्दुल भाई वैसा सोचे कि भाई मेरा तो आ ही रहा है, कुछ हो या ना हो, ठीक है, तो मैं कुछ और धंधा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फिलहाल से तो लाइक वो पूरा आने ही वाला है, तो वहां पे दोस्तों ये गलती बहुत सारे लीडर करते हैं कि भाई जो मेरे को पे आउट चाहिए उससे ज्यादा मेरे को मिल रहा है तो मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि देख दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक तासों का महल है, ठीक है, पत्तों का महल है, इसको बनने में भी देर नहीं लगती है और पढ़ने में भी देर नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जब आप अपने अंदर पे संतोष ला देंगे, ठीक है, तो सर आपका पूरा का पूरा टीम जो है उसके गोल विजन सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो आपको आपके लिए नहीं लेकिन आपकी टीम के लिए असंतोषी होना है। ठीक है, अब्दुल भाई का 232,000 का चेक हुआ है तो उनको वैसा सोचना है कि भाई मेरा तो हो गया, जो मेरे को चाहिए उससे 6 गुना ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को मेरी टीम के लिए, मेरे टीम के लोगों को मेरे को वो इनकम पर लेके जाना है कि मेरी टीम से एटलीस्ट 10,000-12,000-15,000 2,000-5,000 लोग पर मंथ 1,00,000 रुपया कमाए। ठीक है, ऐसा मेरी टीम को मजबूत करना है।
अपने आप तो वो खुद तो मजबूत हो ही गए हैं, अभी उनका जो जो लेवल है वो लोगों को संतुष्ट करने वाला है, उनका जो लेवल है वो वैसा है कि भाई वो दूसरे लोगों को जाके अभी उनके सपने पूरे करें। तो लीडर कभी भी लाइक संतोषी नहीं होते हैं, वो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम में जितने भी डाउनलाइन में लोग हैं, वो सभी लोगों को लाइक वो मुकाम पर पहुंचाने के लिए संतोषी नहीं होना बहुत ही जरूरी, ठीक है। तो आपको कभी भी लाइक संतोषी नहीं होना है, आप अगर अच्छे लीडर हैं तो आपके अंदर असंतोषी वाला गुण होना बहुत जरूरी है कि जिसके कारण आप अपनी टीम में दूसरे लोगों के गोल, दूसरे लोगों के सपने पूरे कर सके, ठीक है। तो कोई भी लीडर को कभी भी संतोष नहीं करना है, भले अपना चेक अपने लाइक हिसाब से ज्यादा आ रहा है, फिर भी अपने चेक के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन अपने डाउनलाइन के सपने पूरे करने के लिए आपको असंतोषी ही रहना है, ठीक है। तो दोस्तों हम सेवंथ गुण की बात करें तो वो है 100% इम्प्लीमेंटर। दोस्तों जब हम कोई भी जूम मीटिंग करके कंपनी की स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते हैं कि भाई हमको ये तरीके से काम करना है, ठीक है, उसके बाद लीडर जब मीटिंग में होते हैं तो वो लोग वैसा सोचते हैं कि भाई ये तो मैं करके जाके कर ही दूंगा, ठीक है। जब हमारा एलडीपी माउंट आबू में हुआ तब सभी लीडर वैसा बोल रहे थे कि सर अभी तो हम जैसे ही घर जाएंगे फिलहाल का बैग लेके निकल जाएंगे, और बहुत सारे लीडर निकल भी गए। लेकिन कुछ लीडर के अंदर ये गुण नहीं होता है 100% इम्प्लीमेंटर वाला। दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस हमारी मीटिंग में होता है, स्ट्रेटेजी में होता है, वो पूरा का पूरा आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी। कोई भी चीज जब आप पन्ने पे लिखते हैं, ठीक है, जब आप स्ट्रेटेजी कोई भी अपनी टीम के लिए डिजाइन करते हैं कोई भी पेज पे, तो वो पेज पे तो बहुत ही सही लगती है, लेकिन वही स्ट्रेटेजी को आपको इम्प्लीमेंट भी करवाना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाना बहुत जरूरी। तो इसीलिए लीडर के अंदर वो 100% इम्प्लीमेंटर का गुण होना जरूरी है कि जो कुछ भी डिसाइड कंपनी की ओर से हुआ है, अपनी टीम में जो डिसाइड हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से 100% वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो करना लीडर का काम है, और वो उसके लिए लीडर को इम्प्लीमेंटर बनना जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी लाइक विचार को, कोई भी प्लान को, उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए 100% इम्प्लीमेंटर की क्वालिटी लीडर के अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लीडर दोस्तों बोल बच्चन वो होते हैं कि वो बोलते तो है कि भाई मैं ये कर लूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाने की बात आती है और इम्प्लीमेंट करवाने की बात आती है, तब वो वहां पे 0% इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसके कारण उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो दोस्तों आपको एज ए लीडर 100% इम्प्लीमेंटर होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो दोस्तों आठवीं क्वालिटी है लीडर के अंदर, ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई, ये है समस्या का सकारात्मक समाधान। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पॉजिटिव वे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और वो पॉजिटिव वे से कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि हम काम कर रहे हैं तो गलतियां कंपनी की ओर से भी होगी और गलतियां आपकी ओर से भी होगी, ठीक है, क्योंकि गलतियां एक समस्या एक वैसी चीज है कि जब आप लोग जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक समस्या आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन वो समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं उसमें ही पूरी जिंदगी छुपी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है दोस्तों कि समस्या का सकारात्मक समाधान करना बहुत ही जरूरी है। जब आपकी डाउनलाइन कोई भी क्वेश्चन कोई भी समस्या लेके आपके पास आती है, ठीक है, तो वो जब आती है तब आप उसको अच्छी तरह से सुने, एकाग्रता से सुने कि भाई क्या समस्या है। वो समस्या सुनने के बाद वो प्रॉब्लम को अपने लेवल पे ही सॉल्व करें। बहुत सारे लीडर क्या है कि कोई डाउनलाइन कोई फरियाद लेके आती है तो तुरंत सीधा सीएमडी सर को फोन करो या सीईओ सर को फोन करो या कस्टमर केयर पे फोन करो, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है कि लीडर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं दोस्तों। 90% या 95% समस्या जो आपके पास आती है उसका समाधान आपको वही के वही करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली डेमो भी आपके साथ दिलवाऊंगा। मैं करण भाई को बोलूंगा कि मेरे साथ उपस्थित रहे और हम लोग एक छोटी सी स्किट करेंगे, डेमो करेंगे। तो वो डेमो के तहत मैं करण भाई को बोलूंगा कि पहले आपको कोई भी कंपनी के बारे में कोई भी समस्या लेके मेरे पास आना है। जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो लीडर लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो करण भाई कोई भी प्रोडक्ट या प्लान या पे आउट के रिलेटेड आप कोई समस्या लेके मेरे पास आइए, मैं आपका लीडर हूँ, आप मेरी डाउनलाइन। सर हमारा यूनिट है उसमें कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा ऐसा है, यानी कि आपने कितने लोगों को दिया था? मैंने बहुत सारे लोगों ने दिया है अभी। अच्छा वो बोल रहे हैं कि इसमें रिजल्ट नहीं है। अच्छा ये है करण भाई,
तो ये कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत लग रही है। हाँ साला कंपनी के सीएमडी को बताना पड़ेगा। हाँ तो मैंने बहुत सारे लीडर को भी बात की, मेरे अपलाइन है उसके भी बात की, मैं आगे बात करके आपको बताता हूँ सर। अच्छा वैसा है तो चलो अभी फोन करेंगे जयमीन सर को। ठीक है हेलो जय फिलान सर नमस्कार। जी सर मेरे पास अपने डाउनलाइन से एक बहुत ही होनहार लीडर है करण भाई, उनका एक क्वेश्चन था कि हमारे ह्यूमिक एसिड में सर रिजल्ट नहीं है। जी हाँ सर, तो उसको कुछ करिए, ना हो तो सर दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, दूसरी क्वालिटी कर दीजिए, 5-25 रुपया प्लस होगा तो चलेगा ठीक है, लेकिन मार्केट से ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए ठीक है ना सर। तो सर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे प्रोडक्ट हमको दे ठीक है। ओके सर बोल दिया है करण भाई, चिंता मत करो कंपनी अपने लिए नया प्रोडक्ट लेके आ जाएगी ठीक है। दोस्तों ये था एक डेमो कि कोई डाउनलाइन जब अपलाइन के पास आती है और अपलाइन सीधा ही अपनी ऊपर वाली लीडरशिप को, सीएमडी हो या टॉप लीडर हो, उनको डायरेक्ट वही समस्या दिखाती है बताती है। अभी जो लीडर किस्म के लोग हैं, लीडर किस्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग क्या करेंगे वो मैं आपके सामने यही सेम क्वेश्चन के साथ रखूंगा। तो करण भाई अभी वो सेम क्वेश्चन लेके मेरे पास आएंगे। सर जी अपने यूमिक में कोई रिजल्ट नहीं है। नहीं सर वैसा नहीं हो सकता है, आप एक काम करिए उसको आपने यूज कैसे किया वो सर देखिए, क्योंकि गुजरात के उत्तर गुजरात में करण भाई ये प्रोडक्ट बहुत ही धूम सेल हो रही है, अगर उसके अंदर रिजल्ट नहीं होता ना तो समझिए कि वो प्रोडक्ट वहां पे नहीं चलती, पर मंथ कंपनी के 5-10 हजार डिब्बे वहां पे सेल हो रहे ठीक है। तो मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत है, आप लाइक काम कर रहे हैं तो समस्या आपके सामने आई होगी, लेकिन आप नोट करना कि आप 10 लोगों को देते हैं ना उसमें से 1 या 2 बंदे में ये समस्या दिखेगी ठीक है, और उसमें भी वो लोगों में दिखेगी कि जो लोगों से आपने पेमेंट नहीं लिया है, और जब आप पेमेंट लेने के लिए गए होंगे तभी आपको ये समस्या बताते होंगे। सही है ना, सही है ना। तो आप उनसे जब भी कोई सेल करे तो पहले पेमेंट लीजिए, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे को मेरे कंपनी के प्रोडक्ट के क्वालिटी पे 100% ट्रस्ट है ठीक है। ओके थैंक यू। तो दोस्तों ये है तरीका, समझिए कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपको पहले नॉलेज होना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे चलती है, कैसे चलती है, कैसा रिजल्ट, और वो रिजल्ट के बारे में बात करने के बाद उसको अगर हम सही तरीके से अगर उससे बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कॉन्फिडेंटली उसको बताएंगे कि भाई नहीं प्रोडक्ट तो सही ही है, आपको शायद आपने वो बंदे का पैसा नहीं लिया होगा इसीलिए आप जब पैसा लेने के लिए गए ठीक है तब जाके आपको पता चला होगा ठीक है कि भाई ये प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जब पैसा देने की बात आती है ना तभी जाके लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं दोस्तों ठीक है। तो किसी को भी आप क्रेडिट में प्रोडक्ट मत दे तो आपको 90-95% रिजल्ट वहीं पे मिल जाए ठीक है। तो ये एक समस्या का सकारात्मक समाधान कैसे लीडर कर सकता है वो मैंने स्पीड के माध्यम से आपको एक बताया, आपको वही चीज को जब भी आपकी डाउनलाइन आपके पास आए तब आपका एटीट्यूड कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, सिस्टम के प्रति, पे आउट के प्रति एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, और उसकी समस्या का समाधान ऐसे अच्छी तरह से आपको करना चाहिए। तो ये 8वीं क्वालिटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो 9वीं क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है दोस्तों कंपनी के साथ तन मन धन से समर्पण होना। मैंने बहुत सारे लीडर देखे हैं कि उनको दोस्तों शुरुआत के कुछ महीनों में चेक नहीं आता है, फिर भी वो वही लगन से, वही मेहनत से वो अपने आप को तन मन धन से समर्पण कर देते ठीक है, और वो होना बहुत जरूरी है। तन मन धन से समर्पण होना यानी कि 24 में से 18 घंटा जब भी आप जागरूक अवस्था में है तभी फिलान को अपनी टीम को कैसे बढ़ाए वो चीज आपके अंदर कॉन्स्टेंट आपके माइंड में रूटीन होना जरूरी है, रोटेट होना जरूरी है ठीक है। तो आपका तन मन और धन से समर्पण अगर कंपनी के साथ रहा तो आप एक अच्छे लीडर है और आप अच्छा टीम आप खड़ा कर सकते हैं, अच्छा सेल आप खड़ा कर सकते हैं, और उसके साथ अच्छा चेक आप डाउनलाइन का बना सकते हैं उसको। तो ये गुण लीडर के अंदर बहुत जरूरी है कि वो जहां पे भी लीड कर रहे हैं वहां पे तन मन और धन से लीडरशिप करे ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट, उसके बाद है लगातार सीखने वाला, कॉन्स्टेंट लर्नर ठीक है। कोई भी अगर बंदा है तो वो लगातार सीखने वाला होना चाहिए तभी उसके अंदर लीडरशिप के वो गुण आए ठीक है। बहुत सारे लीडर कैसे होते हैं कि भाई उसको कंपनी का कुछ पता नहीं होता है, लेफ्ट में एक अच्छा बंदा ज्वाइन कर दिया, राइट में अच्छा ज्वाइन कर दिया, खुद कोई नौकरी कर रहा है और आराम से पैसे लेते हैं, ऐसे लीडर को कभी भी अपनी टीम एक्सेप्ट नहीं करती है दोस्तों। जितना आपकी टीम काम कर रही है उससे 1.5 गुना ज्यादा जब आप काम करेंगे तभी आपको एज अ लीडर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ लोग वैसा करते हैं कि भाई 2 अच्छे लीडर लेफ्ट राइट में ज्वाइन कर देते हैं फिर कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं और महीने के अंत में पेमेंट लेते हैं।
ठीक है, ये गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप लगातार सीखने वाले होने चाहिए। आपके अंदर जो सीखने का एटीट्यूड है वो मरने के लास्ट दम तक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीखने की बात मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उसका क्या यूज है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। सभी के सभी प्रोडक्ट की कंपनी का प्लान क्या है, वो प्लान को कैसे प्रेजेंट किया जाए, कौन सा लीडर अच्छा प्रेजेंट करता है, उससे आपको सीखना है कि भाई प्लान को बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करें। और जितना भी YouTube पे लाइक मोटिवेशन के लिए जितना भी लाइक कंटेंट है वो सब आप लगातार लाइक सुनते रहिए, और कॉन्स्टेंट अगर आप लर्नर रहे तो वो आपके अंदर वो जो क्वालिटी है वो आपको लीडर बनाएगी। ठीक है, तो आपको एक लगातार सीखने वाला लीडर आपको बनना है, बनना है, बनना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप कॉन्स्टेंट लर्निंग करेंगे उतना आप अपनी डाउनलाइन को वही लर्निंग को पास करते रहेंगे, और जितनी आपकी डाउनलाइन एजुकेट होगी, खुद एजुकेट होंगे, तो आपका धंधा ऑटो मोड में सर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दसवीं क्वालिटी एक लीडर के अंदर होना चाहिए वो है लगातार सीखने वाला। उसके बाद ग्यारहवीं क्वालिटी है दोस्तों कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही लाइक समझती है। यहाँ पे मैंने एक एरो के माध्यम से दिखाया है कि आपका एरो हर वक्त, चाहे भले वो डाउनफॉल हो लेकिन लास्ट में तो वो अप ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हर एक डाउनलाइन अपने लीडर में चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 2 मार्च 2019 को जब कंपनी स्टार्ट की दोस्तों, तब डायरेक्ट सेलिंग क्या है क्या नहीं है वो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज मन में ठान ली कि अगर मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को ये पूरे लीडरों को लीड करना है, तो मेरे अंदर वो लीडरों से ज्यादा नॉलेज होना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग का। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कॉन्स्टेंट बुके पढ़ना, कॉन्स्टेंट यूट्यूब के वीडियो देखना। ठीक है, और उसके बाद मैंने मेरा नॉलेज बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और मैं लाइक अभिमान के साथ तो नहीं, लेकिन आप लोगों को एक बताने के लिए बोलता हूँ कि जब भी आप मेरे से मिलेंगे ना, तो आपको कुछ और नया देखने को मिलेगा, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो एटिकेट्स की बात हो, या कोई भी चीज हो। ठीक है, तो आपको, आप जब भी अपनी डाउनलाइन के साथ जब भी कोई ट्रेनिंग में जाते हैं, जब भी कोई मीटिंग में जाते हैं, तब आपकी डाउनलाइन को वैसा महसूस होना चाहिए कि मैं लास्ट टाइम पे जो ये लीडर को मिला था उससे आज वो कुछ और सीख के आया, या मेरे को कुछ और नया सिखा के गया। जब भी आप कोई ट्रेनिंग करते हैं तो वो ट्रेनिंग में भी आप जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट अपने आप को कर रहे हैं वो आप अपनी टीम में भी वो चीज को दिखाइए कि भाई देख मैंने ये इंप्रूव किया, और वो एक्ट करके दिखाइए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी लीडर के अंदर होना जरूरी है। जब वो लाइक ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का गुण अगर उसके अंदर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो 12वां गुण लीडर के अंदर होना चाहिए वो है डाउनलाइन का चयन। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि ऐसी भी डाउनलाइन आ जाती है कि जो आपको डिस्टर्ब करे या आपको हेल्प ना करे। ठीक है, या वैसा समझे कि भाई मैं ही हूं, डाउनलाइन वैसा समझे कि मैं अपनी अपलाइन से ज्यादा लाइक क्वालिफाइड हूं, मैं अपनी अपलाइन से ज्यादा वो हूं। तो वैसे ही डाउनलाइन को जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइन करने के समय ही आप दो हाथ जोड़ दीजिए कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। एक दो बंदे आपके साथ नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक दो लाइक गलत बंदे अगर आपकी टीम में आ गए कि जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो वो आगे जाके आपकी टीम को और आपको नुकसान करेंगे। तो आपकी टीम में कौन रहना चाहिए वो भी आपके चॉइस का प्रश्न है। बहुत सारे ट्रेनर को मैंने देखा है कि वो लोग वैसा बोलते हैं कि भाई जो भी बंदा आए उसको आपको ले लेना है। लेकिन आप जो भी बंदे को ले लेंगे तो वो आपको सेल देगा, बात सही है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपकी टीम में कौन रहेगा, जो बंदा रहेगा वो अच्छा होना चाहिए। वो सब एटिकेट्स के मामले में भी आपको बहुत ही सतर्क रहना है। ऐसा कोई भी डाउनलाइन आपकी टीम में वैसा ना आए कि जिसके कारण आपकी टीम डिस्टर्ब हो, नेगेटिव हो, या आपको परेशान करे। तो ऐसे बंदे को जब हम मिलने के लिए जाते हैं तभी पता चल जाता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट है, और वैसे ओवर स्मार्ट लोगों की हमको टीम में कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों 5 कॉल ज्यादा कर लेंगे, 10 घंटा ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन ये फिलहाल कंपनी नहीं है, एक फैमिली है, तो फैमिली में जैसे छाजे वैसे ही लोगों को हमको लाना है। तो डाउनलाइन का चयन करना भी एक लीडर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो डाउनलाइन आपका कहना माने, आपके साथ रिस्पेक्ट से काम करे, ठीक है, वही डाउनलाइन को आपको लाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है 13वीं क्वालिटी वो है दोस्तों डाउनलाइन के साथ हितभाव। दोस्तों हितभाव यानी कि आदर, ठीक है, प्रेम भाव जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र दिखाया है दोस्तों, जहां पे एक लड़का अपने पापा को
लाइक हेल्प कर रहा है चलने में। तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो जो पापा है वो उसकी अपलाइन है और जो लड़का है वो उसकी डाउनलाइन है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं दोस्तों, तो जो लड़का है वो अपलाइन है और जो जिसको वो हेल्प कर रहा है, जो उनके पापा है, वो उनकी डाउनलाइन है। अगर ये मेरी छोटी सी बात से अगर आपको स्ट्राइक हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको या आपके पापा चुनने का, या समझो कि आप जो भी आपके पापा है वो है, समझिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक वैसा बिजनेस है कि जहां पे आपकी अपलाइन चाहे तो वो आपसे छोटी भी हो सकती है, नॉलेज में कम भी हो सकती है, चाहे वो कोई भी कास्ट की हो सकती है, ठीक है, चाहे वो मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, ठीक है, वो आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक नॉलेज वो लेना है कि चाहे आपकी अपलाइन छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको उसको एज अ अपलाइन पूरा रिस्पेक्ट देने के बाद उसके साथ काम करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लीडर वैसे देखे हैं कि सर मेरा जो अपलाइन है वो 24 साल का है और मैं 65 साल का हूं, मैं क्यों उनका मानूं। अगर आप ऐसा अभिमान, अगर आप उसका ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर रखेंगे तो मान लीजिए कि आप लीडर नहीं है और आप कभी भी लीडरशिप नहीं कर सकते। अगर आप समझो कि आपकी डाउनलाइन भले छोटी हो लेकिन उससे अगर आपको कुछ सीखना मिलता है तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। तो ये पिक्चर में जैसे मैंने दिखाया है कि अपलाइन डाउनलाइन को चलने में मदद कर रही है और दोनों खुश है। देखिए आप दोनों के चेहरे देखिए दोस्तों, दोनों के दोनों खुश है, तो ये विन विन सिचुएशन है। तो ऐसा अगर माहौल, ऐसा कल्चर अगर आपने अपनी टीम में क्रिएट कर लिया, डाउनलाइन के साथ क्रिएट कर लिया, तो आपको सर समझो कि सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चाहे आपकी डाउनलाइन कुछ भी है, कैसे भी है, कभी भी उसकी शिकायत मत करो, कभी भी उसकी बुराई अपनी टीम में मत करो, अपनी डाउन में मत करो, क्योंकि अगर आज आप अपनी डाउन में अपनी अपलाइन की बुराई करेंगे तो कल जाके वो भी डाउनलाइन कल जाके आपकी बुराई किसी और लाइक डाउनलाइन के साथ करेगा। जब भी आप कोई भी डाउनलाइन को मिलते हैं तभी कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या खुद के बारे में, या अपने अपलाइन के बारे में मत करिए। जब भी मिलते हैं तो उसको 10 मिनट मिलते हैं तो 10 में से 10 मिनट आप पॉजिटिव बात ही उसके साथ करिए और फिर देखिए दोस्तों कि ये पॉजिटिव वातावरण जो है उसके कारण पॉजिटिव ओरा से आपका बिजनेस जो बढ़ेगा वो काबिले तारीफ बढ़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी डाउनलाइन के साथ हमेशा हेदभाव रखिए और वही हेदभाव के साथ काम करिए। नेक्स्ट क्वालिटी दोस्तों 14वीं जो क्वालिटी है वो है डाउनलाइन के साथ सकारात्मक तालमेल। आपका तालमेल अपनी डाउनलाइन के साथ बेहद अच्छा होना चाहिए तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। अगर आप कुछ दिनों के लिए कोई पर्सनल काम से बाहर भी हैं तो भी वो अपनी डाउनलाइन कैसे क्या काम कर रही है एक 5 मिनट का कॉल करके भी आप उससे पूछ लीजिए। जो अच्छे लीडर है जैसे कि हमारे गुजरात के भरत भाई छपरालिया है, हर वक्त हर सुबह उठ के पहले 6:30 बजे अपनी डाउनलाइन के मेन लीडर्स को वो कॉल करते हैं। मैं अगर चाहूंगा अगर वो 2 मिनट के लिए अनम्यूट हुए, भरत भाई छत्रालिया। यस सर नमस्कार। नमस्कार क्राउन डायमंड। यस सर दोस्तों फिलहाल परिवार के फर्स्ट क्राउन डायमंड भी है और हमारे सभी के जाने माने और प्यारे लीडर भी है। इनका भी चेक 1,78,000 प्लस ये महीने का हुआ है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए, ठीक है। और भरत भाई तालमेल जो डाउनलाइन के साथ होना चाहिए उसके रिगार्डिंग आपकी क्या एक्ट पर डे रहती है वो जरा अपने परिवार को बताइए। क्या सर बोला? डाउनलाइन के साथ कैसे लाइक काम करना है, सकारात्मक तालमेल जो आप हर सुबह में जो काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में सर आप जरा बताइए कि कैसे करना चाहिए डाउनलाइन के साथ। डाउनलाइन से पहले तो समझोगे कोई पण आपणा जे रिलेशन है भाई जैसा रखना चाहिए, समझो कि सगा भाई जी फैमिली है, फैमिली मान से काम करेगा ना तो डाउनलाइन आपके साथ हम जो कि फैमिली जैसा व्यवहार करेगा। बस हम जो डाउनलाइन से काम करना है तो सुबह समझो कि 6 बजे उठते हो सुबह कॉल करना, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, पहला हम जो कि घर का हालचाल पूछना, क्या काम कर रहे हो, चा बा पिया नहीं पिया, बाद में हम जो कि अपना फिलहाल का काम बताएगा कि सर आज समझो कि मैं पहला मेरा बताना, हम जो उसको नहीं पूछना कि तेरा आज 10 ज्वाइनिंग लाना है, टारगेट है, मैं आज जाने वाला हूँ, मेरा टारगेट आज यही है कि 25,000 प्रोडक्ट सेल करना, 25 नया ज्वाइनिंग लेना, एक नई फ्रेंचाइजी खोलना, मेरा बताने के बाद उसको पूछना तो वो बताएगा सर ना मेरा भी टारगेट है 10 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग। वही सुबह उठे 6 बजे कॉल करना, पर शाम को भी, दोपहर को भी फोन करना, एक शाम को भी सोने के 10-11-12 बजे भी जो आपका मेन लीडर है 10-15 वो भी हम जो कॉल
हुआ, कितना काम हुआ, कितना ना हुआ, कौन काम नहीं होता, एक पेस्ट एक साबुन नहीं बेचना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रात 12-11 बजे भी आश्वासन देना, कोई टेंशन मत ले, मैं कल आपके साथ हूँ, आप एक टूथपेस्ट नहीं हुआ तो कल मैं साथ आऊंगा, 50 टूथपेस्ट बेचाऊंगा, ऐसा आप उसको विश्वास दिलाना, वो सब बात करते हैं तो सारा टर्न व्यस्त होता है। बहुत ही बढ़िया भरत भाई, और आप आपका जो टूटा फूटा जो हिंदी है ना, वो सुनने को बहुत ही अच्छा लगता है और यही हमारी फिलहाल की ताकत है कि भाई हमको कोई लैंग्वेज से लाइक कोई नहीं है, अगर हमारी सोच सही है तो भले हमको लैंग्वेज ना भी आए ठीक है, फिर भी हम लोग लाइक अपना ग्रोथ करेंगे। भरत भाई एक और छोटी सी कमेंट दीपक भाई के लिए चाहूंगा कि जो आज अपना मर्जर हुआ है, और वो मर्जर का जब फोन आया था तब आप और मैं साथ में थे ठीक है, और अब्दुल भाई भी साथ में थे, तो उनको जरा जो आप दो वर्ड्स बोलना चाहो बधाई वाले। दीपक सर, हेलो दीपक शर्मा जी को, हेलो, हाँ सर, भरत भाई वॉइस आ रही है आपकी, भरत भाई, हेलो दीपक सर जी नमस्कार, मैं दीपक जी को सर एक मिनट में करता हूँ, लाइक अनम्यूट करता हूँ कर जो दीपक जी प्लीज अनम्यूट होइए। यस सर, मैं दीपक जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, दीपक जी प्लीज अनम्यूट होइए। शायद नेटवर्क का इश्यू है भरत भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मैसेज दे दीजिए, वो सुन ही रहे। बस दीपक सर जी को सारी ढेर कामना देता हूँ कि आपकी कंपनी में वो मर्ज करके आज आए, मेरे को पता है कि आज सर एक कंपनी मर्ज हो रही है, पर आने वाले साल के अंदर फिलहाल हर्बो मेडिस की इतनी सिस्टम की इतनी प्रोडक्ट की कंपनी सीएमडी से कर दी ताका ने, एक नहीं पर 100 एक दिन में 100 कंपनी टाइप कर गई, हूँ आपका गारंटी वादा देता हूँ सर। थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन सर भरत भाई। दीपक सर जी सर ऐसा आदमी है, मेरे को बार बार हम जो महीना 15 दिन को बार बार बात होती थी बीच में, सर हम जो वी नुट्रा करता था, मैं पिलान करता था, पर वो कभी मेरे को नहीं बोला कि सर आप वी नुट्रा में आ जाओ, मैं भी नहीं बोला पिलान में आ जाओ, पर हम जो कि कभी कभी 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद होता था, इंसान के लिए एक नंबर का आदमी है ना वो, आपको आप हम जो को उसको आपकी कंपनी में जो मर्ज किया है आपके लिए मैं एक सैल्यूट मारता हूँ, ऐसा आदमी इंसान लेना चाहिए सर जी, ये हूँ गलती से वो निकल गया था, फिर से लिया, सो आपको तो सर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भरत भाई, और मैं लाइक दीपक जी को फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा कि हम सब मिल के ये सब प्रॉब्लम और ये सब जो सपने लोगों के है वो हम पूरा करेंगे ठीक है। तो दोस्तों भरत भाई ने जैसे बताया कि जो 14वां गुण लीडरशिप में होना चाहिए वो है डाउनलाइन के साथ सकारात्मक तालमेल, जो बताया कि भाई आप उसके घर के बारे में पूछिए उसके बाद बिजनेस की बात करिए, आपका तालमेल उतना अच्छा होना चाहिए कि जब कोई दूसरी टीम का लीडर आपकी डाउनलाइन को आपकी अनुपस्थिति में जब आके पूछे कि भाई तेरा लीडर कैसा है, तो वो आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव थॉट ही बोलना चाहिए ठीक है। अगर समझो कि किसी आपकी एब्सेंस में अगर वो बंदा आपके बारे में गलत बोल रहा है तो वैसा आप समझ लीजिए कि आपके अंदर लीडरशिप नहीं है ठीक है। तो आज से ही आप अपनी डाउनलाइन के साथ एक हेत भाव से प्रेम भाव से रहे और सकारात्मक तालमेल से काम करें तो 100% आपकी लीडरशिप निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, जो 15वीं जो क्वालिटी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है डाउनलाइन का निरंतर अवलोकन। दोस्तों डाउनलाइन को आपको हर वक्त अवलोकन करना पड़ेगा कि भाई आपकी डाउनलाइन कहाँ पे है, अगर आपकी डाउनलाइन का चेक नहीं बन रहा है तो वो आपको वहां पे जाके उसको पूछना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम के कारण तो काम नहीं कर पा रहा है। अगर कॉन्स्टेंट आपने उसको लाइक नजरअंदाज किया और उसका चेक नहीं बन रहा है तो समझो कि आज नहीं तो कल वो आपको छोड़ के चला जाएगा ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये चीज माइंड में रखना है कि कभी भी आपको एट एनी टाइम आपको डाउनलाइन का निरंतर अवलोकन करना है कि वो कहाँ पे पिछड़ रहा है और जो उसकी वीकनेस है उसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है। तो उसकी वीकनेस को जानने के लिए स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपका आपकी डाउनलाइन के प्रति अवलोकन निरंतर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने ये पिक्चर में दिखाया है कि एक बंदा दूरबीन से पूरा देख रहा है तो आप वैसा समझिए कि ये अप लाइन है
और वो नीचे अपनी डाउन लाइन को पूरा ये दूरबीन से देख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या कमी रही कि जिसके कारण उसका चेक नहीं बन रहा है, उसका सेल नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद वो उसके पास जाएगा और पास जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा, तभी जाके वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 16वां जो क्वालिटी है वो है अपना नहीं डाउन लाइन के बारे में सोचे। 16वीं जो क्वालिटी है वो है दोस्तों अपना नहीं अपनी डाउन लाइन के बारे में सोचना। जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो दूरबीन के ऊपर बैठ के जो दूरबीन से वो देख रहा था वही दूरबीन के ऊपर एक बंदा बैठा है, एक लीडर बैठा है और वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? खुद के बारे में नहीं सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा चेक ये महीने में कितना बनेगा, मेरा चेक लाइक कैसे बढ़ाऊं। वो दोस्तों जो बंदा खुद के बारे में डायरेक्ट सेलिंग में सोचता है वो लीडर नहीं है, या कहीं पे भी जो खुद के बारे में सोचे वो लीडर नहीं है। अगर मैं वैसा एक विजन बनाऊं कि भाई फिलहाल को मैं 5,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा और उसमें से मैं 1,000 करोड़ कमाऊंगा, तो मैं कभी भी एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने विजन क्या बनाया कि मेरे को फिलहाल को वर्ल्ड की नंबर वन एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनानी है कि जहां पे फिलहाल के माध्यम से लाखों लोगों को करोड़पति बनाना है। ठीक है, जब मैं आप लोगों के बारे में सोचूंगा तो खुदा भी मेरा बैक करेगा और खुदा भी मेरे को मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर होनी बहुत ही जरूरी है कि आपको कॉन्स्टेंट अपनी डाउन लाइन के बारे में सोचना है कि मेरी डाउन लाइन का चेक कैसे बढ़े, मेरी डाउन लाइन की टीम कैसे बढ़े, मेरी डाउन लाइन में सेल्स कैसे बढ़े। अगर डाउन लाइन का सेल्स बढ़ेगा, चेक बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, तो आपका तो सर ऑटोमेटिक होने वाला है। यही तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चमत्कार है। ठीक है, तो आज से आप कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी डाउन लाइन के ही बारे में कॉन्स्टेंट सोचेंगे, जिसके कारण आपका 100% भला होने वाला है। दोस्तों मैं नेक्स्ट जो 17वीं जो क्वालिटी है उसके बारे में बात करूंगा कि भाई हर दिन एक नई शुरुआत करो। जैसे कि मैंने बताया कि भाई आज आप फील्ड में निकले हैं और फील्ड में आपने मान लो कि 15,000 बीवी का सेल किया, तो दूसरे दिन सुबह आपको उठते वैसे कभी भी अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए कि भाई कल मैंने 15,000 बीवी का सेलिंग किया है तो आज मैं आराम करूंगा। आपको उठते ही सबसे पहले वैसा बोलना है कि मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैं कोई रैंक पे नहीं हूं, और मैं कंपनी में जैसे पहले दिन जुड़ा था और जो मोटिवेशन से काम कर रहा था वैसा ही काम आज मेरे को फिर से करना है। मैंने जो 15,000 का जो सेल किया था, 15,000 बीवी का, वो कल का सेल था, आज मैं 15,000 का वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूंगा, 16,000 करूंगा, 17,000 करूंगा। जब आप सुबह उठ के सबसे पहली बात ये बोलेंगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आप महसूस करेंगे, और जब आप अलग एनर्जी महसूस करेंगे हर दिन पहले दिन जैसी नई शुरुआत करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल के लीडर बनेंगे। क्योंकि जब आप हर दिन नई शुरुआत करते हैं तो वो अपनी डाउनलाइन के लिए भी प्रेरणादायी होती है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि भरत भाई छतरालिया का 1,76,000 का चेक हुआ, या समझो कि अब्दुल भाई का 2,32,000 प्लस का चेक हुआ, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो है कि 300 के 300 दिन वो अपनी डाउन लाइन के साथ हर दिन नई शुरुआत करते हैं, हर दिन नए लोगों को मिलते हैं। ठीक है, वैसा नहीं रखते कि भाई मैं रॉयल क्राउन डायमंड हूँ या मैं क्राउन डायमंड हूँ तो मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा। अभी भी आपने देखा कि भरत भाई अपनी गाड़ी में बैठकर फील्ड में जाते हुए भी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और साथ में फील्ड भी कर रहे हैं। तो इतना जब आपके अंदर काम के प्रति सद्भाव आ जाएगा तो आपको सक्सेसफुल लीडर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये हर दिन नई शुरुआत करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो आपको हर दिन करनी चाहिए, और ये गुण आपके अंदर होना चाहिए कि हर दिन आपको जीरो से स्टार्ट करना है और हर दिन आपको हीरो बनना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो 18वीं और लास्ट क्वालिटी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंपनी के प्रति वफादारी। ठीक है, कभी भी आपके अंदर कोई भी शंका कंपनी के बारे में नहीं आनी चाहिए। दोस्तों फिलहाल आपकी मेरी सबकी माँ है, क्या हम माँ के ऊपर कभी शक कर सकते हैं? कभी भी नहीं। और हम लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको कभी भी एक भी रुपये की ट्रांसपेरेंसी के बिना की बात नहीं होगी। जब भी आपको चाहिए, जब भी आपको मन करे आप यहाँ पे आ जाना, मैं आपको पूरा अपना एडमिन पैनल खोल के भी बता दूंगा कि भाई हम आप ये कमा रहे हैं और हम ये कमा रहे हैं। ठीक है, कभी भी ये कंपनी नहीं है, ये परिवार है, तो परिवार के अंदर ट्रांसपेरेंसी 100% रखनी जरूरी है। तो जैसे हम अपनी माँ को जैसे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार आपको फिलहाल को करना पड़ेगा, उसके प्रति उतनी ही वफादारी रखनी पड़ेगी। पर डे आपको नए नए प्लान आपको भ्रमित करने के लिए आपके पास आएंगे, नए नए प्रोडक्ट आपको भ्रमित करने के लिए आएंगे, लेकिन अगर आपका फोकस वहां से अगर जरा सा भी हिला तो समझिए कि आप गए, आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप फिलहाल में को आपने अपना दिल जान तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया है
तो अभी आपको और कोई जगह पे दूसरा दिखना नहीं है। जैसे कि जब घोड़े की जब रेस लगती है तब उसको दो साइड पे एक सेपरेटर दिया जाता है कि जिसके कारण वो अपने गोल के ऊपर फोकस कर सके, वैसे ही सेपरेटर आप अपने आज ही लगा दीजिए क्योंकि आप लीडर हैं। अगर आप लीडर अपने आप में लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं तो लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपनी के प्रति वफादारी रखनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये 18 गुण अगर आपके अंदर आ गए तो आप समझो कि आप बहुत ही बेहतरीन लीडर कंपनी के लाइक पर्सपेक्टिव से भी बनेंगे, अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव भी बनेंगे और फैमिली के पर्सपेक्टिव भी बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपना हाफ सेशन यहाँ पे खत्म होता है और इसके बाद मैं कुछ गुरु चाबियां आपको देना चाहूंगा लीडरशिप विकसित करने के लिए। तो वो गुरु चाबी क्या है कि जिसके कारण आपकी लीडरशिप और निखरेगी वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो गुरु चाबी है दोस्तों वो है डाउनलाइन की रैंक बढ़ाना। आप कॉन्स्टेंट वैसा सोचिए कि मेरे टीम में जो डाउनलाइन है उसमें कौन सा लीडर कौन सी रैंक पे है। जब आप ये चीज लाइक अपने आप में नोट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्म लेना है कि आपको ये सभी लीडर का रैंक हर एक रेगुलर इंटरवल्स पे आपको चेंज करना है। समझिए कि अगर आपका 1 से 5 या 6 रैंक तक आपको हर महीने वो रैंक चेंज करना है और 6 से लेकर 10 रैंक थोड़ी टफ है तो वो आपको हर 3 महीने में अपने डाउनलाइन का चेंज करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आपकी डाउनलाइन की रैंक बढ़ेगी आपके हिसाब से बढ़ेगी तो वो मोटिवेट रहेगा और उसके घर में इनकम जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली गुरु चाबी वो है कि आपको अगर प्लान के रिपर्चेस प्लान में सक्सेस जाना है तो आपको कॉन्स्टेंट अपनी डाउनलाइन की रैंक चेंज करवानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी गुरु चाबी है कि सेल्स बढ़ाना। सिर्फ रैंक बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके साथ साथ आपकी डाउनलाइन का सेल्स भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जब सेल्स बढ़ेगा तभी जाके डाउनलाइन की इनकम भी प्लस होगी। तो दूसरी चाबी के रूप में है सेल्स बढ़ाना। उसके बाद दोस्तों तीसरी गुरु चाबी है डाउनलाइन की इनकम बढ़ाना। आप दोस्तों हर महीने वैसा सोचिए कि अगर जुलाई मंथ में मेरी ये एक्स डाउनलाइन की इनकम 5000 रुपया है तो मेरे को उसको अगस्त में एटलीस्ट 6000 या 7000 करना है। कभी भी दोस्तों डाउनलाइन की जो इनकम है वो पिछले महीने से कभी भी कम नहीं जानी चाहिए। अगर कम जा रही है तो आप लीडर नहीं है, समझिए। पहले दिन से वैसा प्लानिंग करिए कि आपकी डाउनलाइन की इनकम मास प्रति मास बढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डाउनलाइन की इनकम हर मास पे बढ़ाएंगे तो आपकी लीडरशिप और निखरेगी। उसके बाद चौथी जो चाबी है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गुरु चाबी नंबर 4, टीम में एक सफल लीडर के बारे में बात करो। बहुत सारे लीडर अपने आप को ही सफल दिखाते हैं हर एक के सामने कि भाई मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई तू कुछ नहीं है, तेरे को तब जाए वैसे मार्केट में लीडर पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में जब हितेंद्र चौबे जी से बात होती है, सोमनाथ जी के साथ जब वेस्ट बंगाल में बात होती है तो वो लीडर के अंदर ये क्वालिटी है। जब नीना जी से बात होती है उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी टीम में दूसरे स्टेट के सफल लीडर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं राकेश जी की तो राकेश जी हर वक्त अपनी टीम में बताते हैं कि भाई अब्दुल भाई बलोच का चेक जो हुआ वो 2,32,000 हुआ या भरत भाई का चेक 1,78,000 प्लस हुआ। अगर आप पॉजिटिव चीज जो आपके क्रॉस लाइन में जो घट रही है उसको अगर आप अपनी टीम में वो एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे तो आपकी टीम मोटिवेट रहेगी और आपकी टीम ज्यादा मोटिवेट रहेगी तो आपकी लीडरशिप और निखरेगी, ठीक है। तो टीम में हर वक्त आप एक सफल लीडर के बारे में बात करो, इससे आपकी टीम का मोटिवेशन एक अलग लेवल पे रहेगा और एक आप अच्छे से एक लीडर बनेंगे। उसके बाद दोस्तों पांचवी चाबी है जिसका नाम है अपना आत्मविश्वास बढ़ाना। ओवर द टाइम जब आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति बढ़ाओ, प्लान के प्रति बढ़ाओ। दोस्तों कंपनी के प्रति वैसे बढ़ेगा कि वो आप मेरी एजुकेशन की या क्रोनिक भाई के एजुकेशन की या कमल भाई के एजुकेशन की बात करेंगे, हमारे प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट का आत्मविश्वास आपको तभी बढ़ेगा कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो आप खुद यूज करें और दूसरों को यूज कराएं और उसके रिजल्ट लें। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज होता है, मान लो कि आपने हितल नॉनी सिरप, आपको खुद को लाइक जोड़ों का दर्द था और आपने यूज किया और आपको राहत मिली तो दोस्तों आप 200 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप दूसरे बंदे के सामने, दूसरे प्रोस्पेक्ट के सामने आप उसके बारे में बात कर सकेंगे। तो आपको अपने आपका आत्मविश्वास प्रोडक्ट के प्रति बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों खुद प्रोडक्ट का यूजर बनना बहुत जरूरी है। और जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो तो आप पहले खुद यूज करिए और बाद में आपकी डाउनलाइन या नए लोगों को आप उसको यूज करवाना सीखे, क्योंकि हमारे सभी प्रोडक्ट दोस्तों क्वालिटी वाले हैं तो वहां पे आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है।
मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि आप पहले यूज करें, क्योंकि मेरे को पता है कि जब आप यूज करेंगे तो आप उसको महसूस करेंगे, महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है, और जब आपको खुद को रिजल्ट मिल जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो दोस्तों 200 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्लान की जब बात करें तो प्लान में आप पहले प्लान में क्या यूनिकनेस है वो लोगों को बताइए, उससे आप अपने आपका जो आत्मविश्वास है वो आप अंदर प्लस करिए, और उसके बाद कंपनी के जो पे आउट सिस्टम है कि भाई पर डे या समझो कि महीने का क्लोजिंग होने के दूसरे दिन ही पेमेंट मिलता है, वो आप अपनी पासबुक में लोगों को दिखाइए कि देखो ये कंपनी का सिस्टम है, तब जाके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आपका आत्मविश्वास प्रोडक्ट प्लान पे आउट के बारे में या कंपनी के बारे में बढ़ेगा तो 101% आपके अंदर की लीडरशिप और निखरेगी। उसके बाद दोस्तों जो छठा क्वालिटी है वो है हर दिन खुद को जीरो लेवल पर ले जाए, जैसे कि हमने बात की लास्ट वाले पॉइंट में भी, लास्ट वाले गुण में भी, कि हमको हर रोज सुबह उठ के एक नई शुरुआत कर दी है और खुद को अपने जीरो लेवल पे लेके जाना है। जब आप सुबह में उठो तो एक चीज जरूर बोलिए कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई लेवल नहीं है और मैंने आज ही कंपनी को ज्वाइन किया है। और जो पहले दिन आपने जो आत्मविश्वास के साथ काम किया था, जो कॉन्फिडेंस के साथ काम किया था, वो कॉन्फिडेंस हर दिन आप अपने आप में लाइए, और जैसे आप हर दिन अपने आप में लाएंगे तो आप 100% एक अच्छे लीडर बनेंगे। तो दोस्तों हर दिन आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है और बहुत ही अच्छा लाइक आत्मविश्वास के साथ आपको काम स्टार्ट करना है। उसके बाद सातवीं चाबी है दोस्तों, खासकर मीटिंग में हर बार खुद को बार बार सुधारें, ठीक है, हर बार खुद को सुधारें। तो जब आप मीटिंग में जाते हैं, कोई भी मीटिंग में जाते हैं, तो प्रीवियस मीटिंग के मुकाबले आपके अंदर चेंज आया है वैसा आपकी डाउनलाइन को लगना चाहिए। मैंने आपको फोटो में एक कॉन्फ्रेंस जैसा दिखाया है जहां पे एक लीडर अपनी डाउनलाइन को लेके पूरा कंपनी का स्ट्रेटजी और पूरा वो डिजाइन कर रहा है, ठीक है, और वहां पे जब वो बोलता है, जब वो कम्युनिकेट करता है कोई भी चीज, तो बाकी के लोगों को वैसा लगना चाहिए कि जब लास्ट मीटिंग हुई थी उससे भी शानदार ये मीटिंग हुई है, ठीक है। जब ये चीज वो लोगों को लगेगा कि भाई नहीं, मेरा लीडर भी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट अपने आप में कर रहा है, तो वो अपने आपको बाय डिफॉल्ट अपने आपको लाइक आपको समर्पित कर देगा और आपकी लीडरशिप के नीचे पूरी जिंदगी काम करेगा। मैं तो वहां तक बोलता हूँ कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बोलेगा कि भाई इसके साथ तो काम करना, ठीक है। तो वो चीज लाने के लिए आपको हर बार अपने आपको सुधार करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आठवीं गुरु चाबी है कि आपको जो नहीं आता है उसका एक सूची बनाए और उससे सीखे। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, मेरे को व्हाट्सएप स्टेटस पे कंपनी के प्रोडक्ट कैसे लाइक वहां पे शेयर करते हैं वो मेरे को नहीं आता है, और मेरी डाउनलाइन में करण भाई है और करण भाई को आता है वो चीज, तो मेरे को अपना अभिमान त्यज कर करण भाई के पास जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई भले मैं तेरा लीडर हूं लेकिन मेरे को ये चीज नहीं आती है, तू कैसे करता है जरा मेरे को सिखाना। ये करने से क्या होगा कि करण भाई के अंदर एक पॉजिटिव इमेज जाएगी कि भाई नहीं, मेरा लीडर को जो नहीं आता है वो मेरे से सीखा, और दूसरी चीज की उसके अंदर वो अभिमान नहीं था कि भाई वो चाहता तो कोई और दूसरे लीडर से भी सीख सकता था, लेकिन उसने दूसरे लीडर से ना सीखते हुए मेरे से सीखा, यानी कि वो मेरे को उतना रिस्पेक्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए कौन कौन सी चीज में आप लाइक पीछे है उसका एक लिस्ट बनाइए, और जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि भाई चौरस बॉक्स के साथ एक लिस्ट बनाइए, और जैसे ही वो कमी को आप सुधार कर लेते हैं आप उसको करेक्ट करिए जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया है, ठीक है। अगर आपके अंदर रहेली सभी कमी को आप धीरे धीरे दूर करेंगे तो आप एक अच्छे लीडर बेशक बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गुरु चाबी है दोस्तों, नए ट्रेंड को पकड़े और उसके अनुकूल बन जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना के कारण समझो कि पिछले 6-7-8 महीने से जूम मीटिंग पे ही सब मीटिंग हो रही है। तो जब कोरोना आया ना दोस्तों, तब तक आपको मेरे को सबको जूम क्या है या जूम मीटिंग क्या है वो पता नहीं था, लेकिन जब कोरोना आया तो वो वातावरण के अनुसार कुछ लाइक प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूम मीटिंग करके एक वर्चुअल मीटिंग का एक प्लेटफॉर्म आया, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों वर्षों से था लेकिन इसका यूज अभी हमने कोरोना में किया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो जब भी ये कोरोना आया तब आप में से कितने लीडरों ने जूम मीटिंग का तुरंत ही दूसरे तीसरे दिन सीख लिया कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। अगर आपने दूसरे तीसरे या चौथे दिन के अंदर ये सीख लिया था तो आपके अंदर ये बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है। लेकिन बहुत सारे लीडर वैसे भी है सर कि जो लोगों ने लाइक ये कोरोना आया, कोरोना चला भी गया, 8-9 महीना मीटिंग नहीं किया अपनी टीम में जूम मीटिंग से, और आज भी जूम को कैसे ऑपरेट करते हैं वो आज भी उनको आता नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी लाइक दिक्कत है,
आपकी टीम को कभी भी वैसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा लीडर कोई ना कोई चीज में पीछे चढ़ रहा है या नए ट्रेंड को वो पकड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टेंट अपनी टीम के लिए नए ट्रेंड को पकड़ना चाहिए और नए ट्रेंड के मुताबिक जो कुछ भी चीज सीखनी है उसके अनुकूल बनना चाहिए और वो चीज सीखनी चाहिए, जैसा कि मैंने जूम के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो दसवीं गुरु चाबी है वो है डाउनलाइन और अपनी रैंक बदलने पर छोटे से इनाम से भी जश्न मनाए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही डाउनलाइन में कुछ भी समझो कि कोई बंदा डाउनलाइन में रैंक चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल एमराल्ड से कोई बंदा डायमंड लेवल पे पहुंचा, तो ऐसा अपलाइन आप वैसा कभी भी मत सोचिए कि भाई ये तो कंपनी का रैंक चेंज हुआ है तो कंपनी अप्रिशिएट करेगी। कंपनी तो अपने हिसाब से अप्रिशिएट करेगी ही करेगी। ठीक है, लेकिन आप एक छोटे से इनाम से ही, मैं तो बोलता हूँ एक छोटा सा पेन भी दीजिए फिलहाल का 20 रुपए का। ठीक है, लेकिन वो पेन के साथ अगर आप उसको देंगे, ये पेन है और मैं बोलूंगा, मैं करण भाई को फिर से बुलाना चाहूंगा, अगर ये मेरा लाइक डाउनलाइन है और अगर इसने कोई रैंक चेंज की है, फॉर एग्जाम्पल उसने एमराल्ड डायरेक्टर से डायमंड डायरेक्टर बना है, तो मैं करण भाई के पास जाऊंगा, उसको विदाउट नोटिस उनके पास चला जाऊंगा, घर पे चला जाऊंगा और घर में सब लोगों के सामने बोलूंगा कि भाई करण बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहा है तू, और ले ये मेरा एक छोटा सा इनाम है जो मेरी लाइक इनकम के मुताबिक जितना भी मेरे को लगा, ये इसकी आप प्राइस पे मत जाइए, लेकिन ये जो मेरी दिल की जो इच्छा थी वो मैंने आपको दी है। ठीक है, और आप बहुत जल्द रॉयल डायमंड जब बनेंगे ना तब भी मैं आपको एक इससे भी अच्छा इनाम दूंगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा अप्रिशिएट करते हैं तो करण को मैं पूछता हूँ कि आपको अंदर से क्या महसूस हुआ? अंदर से बहुत बढ़िया फीलिंग आता है कि कोई आपका लीडर आपको अप्रिशिएट करता है छोटे इनाम से, कोई कोई बुक देता है, कोई पेन देता है, कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ठीक है, तो ऐसे आप डायमंड लोग है, आप नीचे गोल्ड है कि आपके लीडर आप अप्रिशिएट करिए। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद करण। तो ऐसे छोटे छोटे इनाम देके जब आप अपनी डाउनलाइन को अप्रिशिएट करेंगे तो उनके अंदर वो फीलिंग आएगी कि नहीं, ये सर जो मैं है, जो मेरे लीडर है, वो मेरी इतनी ज्यादा लाइक ख्याल रखते हैं। बहुत सारे लीडर क्या बोलते हैं कि सर वो देने के लिए मेरे पास ये नहीं। देखो दोस्तों, लीडरशिप कभी भी पैसे से नहीं आती है, ये चीज आप माइंड में डाल दीजिए। अगर मैंने 1 रुपये मेरे पास नहीं है और मेरे घर में एक गुलाब का समझो कि एक छोड़ है और वहां से मैंने फूल निकाल के भी, अगर मैंने पुष्प निकाल के भी मैं करण को बोला होता कि भाई ले मेरे तरफ से ये पुष्प है, तेरे जो रैंक जो तूने क्लियर किया है उसका ये एक एप्रिसिएशन है, तब भी करण को वही चीज फील होती कि नहीं, मेरे लीडर ने मेरे को पुष्प देके भी मेरा सम्मान किया। उसके बाद दोस्तों पागल की तरह आप उसका जश्न मनाएं, 2-4 अच्छे गीत सॉन्ग आप लाइक फोन पे लगा दीजिए, पूरी डाउनलाइन को बुला लीजिए और जैसे कि मैंने वो पिक्चर में दिखाया है सब साथ में मिलकर डांस करिए, पागल की तरह डांस करिए। ठीक है, आप वैसा अंदर मत रखिए कि भाई मैं तो डायमंड लीडर हूं तो मैं डांस ना करूं। अपनी डाउनलाइन के रैंक चेंज करने पे, अपनी डाउनलाइन की सक्सेस पे जब आप नाचना सीखेंगे तो आपकी जब सक्सेस होगी तब यही डाउनलाइन बहुत जबरदस्त नाचेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो हर एक चीज का डाउनलाइन का रैंक बदलने पर उसको इनाम भी दें और उसके साथ साथ डांस करके या कुछ भी करके आप जश्न मनाएं। बहुत सारे लीडर रैंक चेंज होने पे अपने जो निनाद जी है, कोई भी बंदा डायमंड बनता है तो उनके साथ उनके वहां पे जाते हैं, वो फ्रेंचाइजी पे उसके नाम की केक लाते हैं और केक का कटिंग करके वो लोगों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों अगर आपके अंदर है तो आपको तन मन धन से आपके साथ डाउनलाइन समर्पित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों, 11वीं क्वालिटी है कि बुरे अनुभव से सीखे, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। दोस्तों मैं फिर से संदीप महेश्वरी जी का वही चीज लाइक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आएगा, तो बैड एक्सपीरियंस से आप कभी भी ना घबराइए, जिंदगी में बैड एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ सीखना मिलता है। ठीक है, तो बुरे अनुभव से आप सीखिए और कभी भी आप डीमोटिवेट ना होइए। जब भी आपको कोई बुरा अनुभव हो तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं ये बुरे अनुभव को भी अच्छे अनुभव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और कभी भी अपने आप को, अगर आप लीडर है ना तो आपको दुनिया की कोई भी चीज हो जाए आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, ये चीज फाइनल है। तो कभी भी छोटी छोटी बातों में डीमोटिवेट ना होइए, जिंदगी है तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो गुरु चाबी है 12वें नंबर की, वो है आप अपनी आदत से लीडर बनेंगे। हमेशा एक गुड हैबिट आपके अंदर डालो, आपका जो कुछ भी दोस्तों लाइक एक शेड्यूल है वो शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए और वो शेड्यूल आपकी डाउनलाइन के पास होना चाहिए।
कि भाई मेरा लीडर इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, ये टाइम पे वो वर्किंग में होता है, ये टाइम पे वो पूजा पाठ करता होता है, तो उसके कारण क्या होगा कि जब उसको आपकी जरूरत होगी तो आपके वर्किंग टाइम पे ही वो आपको कॉल करेगा। और जैसे कि मैंने चित्र में बताया है कि अगर आपके पास गुड हैबिट है, अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता है, तो आप एक दिन सक्सेस होगे होंगे। ठीक है, तो आप अपनी जितनी भी बुरी आदत है उसका भी एक लिस्ट बनाइए और उससे भी एक आउटकम करने का एक प्रयास करिए। जैसे कि मैं मेरी एक लाइक बैड हैबिट की बात करता हूँ कि जब से मैंने फिलहाल हर्बोमेडिक स्टार्ट किया तब से दोस्तों रात के 2-2.5 बजे तक लीडरों से बात होती है व्हाट्सएप पे और कॉल पे बात होती है। तो उसके कारण क्या हुआ कि रात के 2-2.5 बजे मैं जब सोता हूँ तो सुबह में मेरा जो अर्ली मॉर्निंग जो वेक कॉल है वो मेरा 9-9:30 बजे हो जाता था। तो और उसके बाद मेरे को लगा कि 9:30 बजे जल्दी हो जाता था, तो फिर 9:30 से रात के 2 बजे तक कॉन्स्टेंट लीडरों के साथ बात, कंपनी के डेवलपमेंट की बात, ये सब बातें पूरी होती थी। तो इसके कारण कुछ नया सोचने का टाइम नहीं मिलता था दोस्तों। तो मैंने ये मेरी बैड हैबिट को कैसे कन्वर्ट किया, तो मैं मेरे एक फ्रेंड जो मेरा जलय पटेल करके एक फ्रेंड है उसके साथ में एक दिन रात को 9 बजे बैठा था और मेरी गाड़ी में बैठे थे, बात कर रहे थे कि यार हम लाइक अपने अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम एक दूसरे को मिलते भी नहीं है। ठीक है, और हमने अपनी जिंदगी का बहुत एक अच्छा सा पार्ट साथ में मिलकर बिताया है, तो हमको अभी लाइक कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि जिसके कारण हम हर रोज थोड़ा थोड़ा मिले। तो वही दिन फिर मैंने उनको बोला कि चलो ना यार साइकिलिंग सुबह में स्टार्ट करते हैं कि जिसके कारण सुबह सुबह में एक अच्छा ओजोन वायु आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो एक स्फूर्ति रहेगी, उत्साह रहेगा और साथ में अपना फिजिक भी अच्छा रहेगा। मेरा एक रूटीन वैसा बन गया था दोस्तों कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं तो भी एसी, ऑफिस में भी एसी और घर जाता हूं तो भी एसी के अंदर ही रहता था। तो जिसके कारण क्या था कि मेरी जो जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हर सुबह हम लोग साथ में, मैं और जलय दोनों साथ में साइकिलिंग करने के लिए जाएंगे और वो एक गुड हैबिट को हमने हमारे करिकुलम में ला दिया। तो उसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि मैं अभी रात के 2 बजे तक नहीं जगता हूँ। मैंने मेरे सभी लीडर को बोल दिया है कि आपका जो कुछ भी काम है वो आप 6 बजे तक कर दीजिए, 6 बजे के बाद अगर मेरा कोई लाइक अर्जेंट काम है कि जो दूसरे दिन नहीं निपटा सकते हैं वैसा अगर कोई काम है तो आप 10 बजे तक मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, 10 बजे अभी मैं सो जाता हूँ। ठीक है, सभी लीडर को मैंने बोल दिया कि आपका जो भी आंसर है वो मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे के बाद आपको दूंगा। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि हर सुबह जब हम 10 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं तो हमारी हेल्थ तो अच्छी रहती है, साथ में जलय एक दूसरे लाइक समझो कि सेगमेंट से, दूसरे बिजनेस से है, तो उसके अनुभव वो मेरे साथ शेयर करता है और मैं मेरे अनुभव उसके साथ शेयर करता हूँ। जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे को भी सोचने का मौका मिला, उससे भी मैंने बहुत सारा कुछ सीखा क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में उसका 3 पीढ़ी पुराना बिजनेस है, तो वहां पे क्या क्या चीज अप्लाई करनी चाहिए, लोगों से काम कैसा लेना चाहिए, वो सब चीज उसने मेरे को सिखाया। कॉन्स्टेंट हम लोग बातें करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा लेते हैं, और मैंने उसको मार्केटिंग में लाइक लेटेस्ट टेक्निक को कैसे यूज किया जाए वो चीज मैंने उसको सिखाई। तो इससे क्या हुआ कि दोनों का विन विन सिचुएशन हुआ, एक अच्छी सी हैबिट आई और वो हैबिट के कारण ही आज हम जब ये लाइक एक प्रेजेंटेशन खत्म होगा उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की पूरी बौछार करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी जो चीज आपको दिक्कत कर रही है उसको आप अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करिए, ये करेंगे तो आप 100% एक अच्छे लीडर बनेंगे। उसके बाद दोस्तों 13वीं क्वालिटी जो है जो मैंने बताया जो सोमनाथ घोष जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि राजू दा को मैं कोई जगह पे वैसी जगह पे भेजता हूँ कि जहां पे वो काम को करके आए और उसको खुद को वो फील हो कि भाई मैं भी एक रोल मॉडल हूं। ठीक है, तो 13वीं गुरु चावी है दोस्तों कि लोगों के लिए रोल मॉडल बने, अपनी डाउन लाइन के लिए दोस्तों रोल मॉडल बनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ, दोनों में एक डिफरेंस है। सेलिब्रिटी वो लोग है कि जो लोग किसी से मिलते नहीं है, और रोल मॉडल वो लोग है कि जिसको कोई मिले या ना मिले लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने रतन टाटा जी की बात की तो रतन टाटा जी मेरे रोल मॉडल है, भले वो मेरे से ना मिले लेकिन उनकी जिंदगी की एक एक एक्ट मेरे लिए एक रोल मॉडल जैसी है और मैं उनको या उनके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी डाउनलाइन में अपना जो पिक्चर है, जैसा मैंने बताया कि सुपरमैन, प्रोफेशनल सुपरमैन का एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, ये इमेज आपकी डाउनलाइन में आपकी जाए वैसा आप एक्ट करिए अपनी डाउनलाइन के साथ। जब आप ऐसा एक्ट करेंगे अपनी डाउनलाइन के साथ तो डाउनलाइन आपको अपना रोल मॉडल मानेगी, और जब आपको अपना रोल मॉडल मानेगी तो आपको छोड़कर वो कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो रोल मॉडल अगर डाउनलाइन को आपको मनवाना है तो वैसा एक्ट भी आपको करना पड़ेगा जो मैंने बताया वो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाँ 14वीं गुरु चावी, मैंने बहुत बार देखा है कि जब
आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ लाइक मीटिंग कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तब आप फोन को उठाते हैं, किसी का फोन आया तो आपने ले लिया। वैसा दोस्तों कभी भी मत करिए। ऐसा करने से सामने वाले के माइंड में एक ऐसी इम्पैक्ट जाती है कि भाई इसको मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है, ठीक है, और वो इम्पैक्ट कभी भी दोस्तों नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका कोई मीटिंग चल रहा है, छोटा सा भी मीटिंग है, आप अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, वाइब्रेट मोड में भी मत रखिए, क्योंकि वाइब्रेट मोड में जब फोन वाइब्रेट होता है तो वहां पे आपको वैसा लगता है कि लाइक बाकी के सभी लोगों का ध्यान आपके फोन के ऊपर जाता है, ठीक है। दुनिया की कोई चीज वैसी नहीं है कि भाई वो 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद ना हो, ठीक है। तो आप अपना फोन जब भी लाइक मीटिंग करते हैं तो आप अपने साइलेंट मोड पे रखिए, ड्यूरिंग मीटिंग कभी भी फोन मत उठाइए सिवाय के कोई अर्जेंसी हो, ठीक है। तो ये भी आपको करना है, कभी भी जब मीटिंग करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें, कोई भी फोन बीच में मत उठाइए। नेक्स्ट 15वीं जो गुरु चाबी है वो वैसी है कि भाई आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए और बढ़ाए और कमजोरियों में सुधार लाए। जितनी भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए, और जितनी भी आपके अंदर कमजोरियां है उसको और ज्यादा करेक्ट करिए। ये जब आप करेंगे तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। मान लो कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसके भी मैं वीडियो देखूंगा और अच्छी करने का प्रयास करूंगा, और मान लीजिए कि मेरे अंदर प्रोडक्ट का नॉलेज कम है तो उसको भी मैं लाइक बढ़ाने का और वो जो मेरी कमजोरी है उसको मैं सुधार लाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो 16वीं जो गुरु चाबी है वो डाउनलाइन को उसकी अपेक्षा से अधिक वितरित दे, यानी कि आपकी डाउनलाइन जब आप मीटिंग करने के लिए जाते हैं तब उसके माइंड में जो चीज है कि भाई मेरा लीडर आज मेरे को ये चीज समझाने वाला है, ठीक है, तो वो जो चीज है उससे भी ऊपर जाके आप, ठीक है, उससे एक स्टेप ऊपर जाके उसको डिलीवर करिए। मान लो कि उसने सोचा होगा कि ये सिर्फ मेरे को आज प्रोडक्ट नॉलेज देने वाला है, तो वहां पे आप प्रोडक्ट नॉलेज तो दीजिए ही दीजिए, उसके साथ प्लान कैसे प्रेजेंट करना है उसके कुछ टैक्टिक्स भी दीजिए, जिसके कारण डाउनलाइन आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी कि भाई मेरे लीडर ने मेरे को ये भी चीज सिखाई, ठीक है। तो ये भी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट गुरु चाबी है वो है दोस्तों हमेशा एक कदम आगे रहे। लीडर दोस्तों हमेशा फ्रंट के ऊपर ही लीड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको तकरीबन 10 एक चिन्ह दिखाए हैं, उसमें से एक चिन्ह थोड़ा आगे है, सिंबल आगे है, जो आगे वाला है ना वो दोस्तों लीडर है। चाहे वो कोई भी युद्ध हो या चाहे कोई भी हो, सेनापति ही आगे रहते हैं। तो लीडरशिप में भी लीडर ही हमेशा आगे रहते हैं। तो जहां भी कोई भी चीज को अगर सॉल्व करने की बात आए, कोई भी चीज में अगर कुछ करने की बात आए, तो उसमें सबसे पहले आप करिए, सबसे पहले आप आगे रहिए। अगर आप एक कदम आगे रहेंगे तो जो पीछे वाले जितने भी लोग हैं आपके, वो लोग आपको एज अ लीडर आपको ट्रीट करेंगे। तो कोई भी चीज जब करने की बात आए तब आप सबसे पहले एक कदम आगे रहेंगे तो आप 100% लीडरशिप निभाते रहेंगे। यस दोस्तों, पूरा जो लीडरशिप का जो सेशन था यहाँ पे हम लोग पूरा समअप करेंगे, और इसके बाद आपको जाना नहीं है, बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च भी हो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रहना है 15-20 मिनट के लिए से, ठीक है। तो दोस्तों जो आज हमने LDP प्रोग्राम लिया, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया, उसमें मैंने आपको लीडरशिप के 18 गुणों के बारे में बात की और उसके साथ साथ कुछ 17 गुरु चाबियां भी दी, जिसके कारण आप आम आदमी से एक अच्छे लीडर बन सके। तो उसके बीच का अगर मैं समअप करूं, कोई लीडर अगर बाद में आए हैं तो उनको अगर मैं एक ही स्लाइड में समझाना चाहूं कि लीडरशिप क्या है, क्या लीडर है और क्या आम आदमी है, तो वो मैं आपको एक ही स्लाइड के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें सबसे पहले है कि लीडर जब भी बोलता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए और आम आदमी जब बोलता है तो वो क्या बोलता है, ठीक है। तो लीडर क्या बोलता है कि भाई मेरे लिए टीम मेरी सबसे पहले है, ठीक है, और बाद में मैं हूं, ठीक है, ये लीडर की वाणी है। और आम आदमी क्या बोलता है, मैं खुद ही हूं, पहले मैं हूं बाद में मेरी टीम, ठीक है। उसके बाद लीडर क्या बोलता है कि हम सब एक है। जब आम आदमी क्या बोलता है कि जो है वो मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मेरे कारण ही ये सब होता है, ठीक है। तीसरी चीज, वो किसी भी लीडर व्यक्ति है वो किसी भी डाउनलाइन को लक्ष्य देता है और उसको पूरा करने में उसके साथ सहयोग देता है, जबकि आम आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ही देता है कि भाई तेरे को ये करना है, वो करना है, महीने के लास्ट 5 दिन में फोन करेगा कितना बिजनेस हुआ, मोटिवेट करेगा, लेकिन साथ में फील्ड में नहीं जाएगा, सिर्फ फोन से मोटिवेशन करेगा। तो आम आदमी है वो कभी लीडर नहीं बन सकता है, ठीक है। लीडर हमेशा जो श्रेय होता है, जो जस होता है, वो दूसरे को देता है, आम आदमी अपने आप जस लेता है। लीडर हमेशा कहते हैं कि चलो चलते हैं, चलो कुछ नया करते हैं, ठीक है, और आम आदमी क्या बोलता है,
आप जाओ मैं नहीं आऊंगा, आप कुछ नया मेरे लिए करके आओ, ठीक है, ये दोस्तों डिफरेंस है। छठा है अधिकार जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीडर हमेशा एक सक्षम व्यक्ति को देता है, जैसे कि हमारे हितेंद्र चौबे जी ने टीम गुरुकुल को या टीम जो टीआरएस परिवार को है वो लोगों को एक जिम्मेदारी दी है कि भाई आप लोग मीटिंग करो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप मेरे से भी अच्छे और वो फेस में है, तो वहां पे वो लीडर ने दूसरे लीडरों को डाउनलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो इसीलिए वो एक लीडर है। अधिकार एक सक्षम व्यक्ति को देता है, जबकि आम आदमी है दोस्तों वो सब अधिकार खुद ही रखता है, मीटिंग भी वही करेगा, ट्रेनिंग भी वही करेगा, बिल भी वही फाड़ेगा, सब कुछ वही करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सातवां जो पॉइंट है, लीडर हमेशा दूसरों को हीरो बनाता है कि भाई ये जो काम हुआ भले उसका योगदान हो, फिर भी वो वैसा बोलेगा कि ये जो काम हुआ उसका पूरा श्रेय मेरी डाउनलाइन को जाता है, जबकि जो आम आदमी है वो खुद ही श्रेय लेता है कि भाई जो कुछ भी हुआ है भले वो टीम ने किया हो, सबने मिलकर किया हो, वो बोलेगा कि भाई मैंने ही किया है और मेरे से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद हार की जिम्मेदारी लीडर हमेशा खुद लेता है और जीत टीम को समर्पित करता है, जबकि आम आदमी होता है वो हार की जिम्मेदारी लाइक टीम को देता है और जीत खुद को समर्पित करता है कि जीत हुई तो मेरी हुई और हार हुई तो तूने कराई, ठीक है। और लीडर जो होता है वो दोस्तों क्या करता है कि हार की जिम्मेदारी खुद ही ले लेता है कि भाई चलो दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुआ तो हम सबने किया फिर भी हुआ तो भी सर जिम्मेदारी मेरी है, और जब जीत की बात आती है तो वो खुद पीछे हो जाता है और जीत टीम को समर्पित करता है। दोस्तों कल आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, दो दिन से आपने शायद देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी का जब हॉकी की मेंस हॉकी ब्रॉन्ज मेडल जीती तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको एज अ लीडर फोन करके बधाई दी और उनको बोला कि भाई आपके ऊपर गर्व है। लेकिन जब कल वुमेन्स हॉकी में जब टीम अपनी हार गई ब्रॉन्ज पदक की मैच में, तो वहां पे भी मोदी जी ने फोन किया और सारी अपनी बहनों को बोला कि भाई आपने एक क्रांति की है और आपने सेमीफाइनल में पहुंच के देश में एक हॉकी के लिए एक अलग सा माहौल बनाया है, तो आपको कतई निराश नहीं होना है। दोस्तों ये लीडरशिप की निशानी है कि वो आपके लाइक जीत में भी साथ होते हैं और हार में भी साथ होते हैं। उनके दोनों वीडियो मेरे पास है दोस्तों, मैं मेन कोर कमेटी ग्रुप में डालूंगा, आप देखिए और वैसे लीडर बनने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी कोई टाइटल जीतते हैं तो वो जो टाइटल का जो ट्रॉफी होता है वो अपने पास कभी भी नहीं रखते हैं फोटो सेशन में, वो अपने टीम के किसी युवा लाइक खिलाड़ी को वो देते हैं और वो खुद पीछे चले जाते हैं। आपने कई बार सीएसके के सेलिब्रेशन में भी ये चीज देखी हो, एक बार तो महेंद्र सिंह धोनी पूरा फंक्शन चल रहा है और वो अपनी बेटी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो इतना डाउन टू अर्थ लीडर का एटीट्यूड होता है दोस्तों। आपको अगर लीडर बनना है तो ये चीज आपके अंदर होनी जरूरी है कि हार की जिम्मेदारी खुद लो और जीत की जिम्मेदारी टीम को दो। उसके बाद दोस्तों समस्या का जो समाधान है वो लीडर हमेशा पॉजिटिव वे से, जैसे हमने स्किट करके दिखाया वैसे करते हैं, और जो आम आदमी है वो समस्या से दूर भाग के ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का है, ये इसका है करके वो दूसरे के ऊपर वो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जोखिम लेने से हमेशा लीडर लाइक डरते नहीं है, कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और कुछ नया करने के लिए जोखिम हमेशा लीडर लेते हैं, जबकि आम आदमी जोखिम लेने से डरते हैं कि भाई नहीं मैं जोखिम लूंगा तो ये होगा वो होगा। लीडर हमेशा अपनी डाउनलाइन के लिए जोखिम लेता है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट, अगर आपको ये सेशन में से पूरा वैसे कुछ भी अगर आपके माइंड में नहीं गया है, ठीक है, तो मैं एक ही लाइक लाइन में अगर मैं सेशन को यहाँ पे समअप करूं तो वो है कि दोस्तों अगर आपको लीडर बनना है तो आपके हर एक फैसले आपका हर एक काम दिल से कर लीजिए, और अगर आपको आम आदमी लाइक रायकर ही मरना है तो आप दिमाग से काम करिए। जो लोग दिमाग से काम करते हैं वो आम आदमी है और जो दिल से फैसला लेते हैं वो लीडर है। इसका मैं लास्ट में एग्जांपल वही दूंगा, अगर रतन टाटा जी ने जो मैंने आपको एक इंसिडेंस बताया वो इंसिडेंस में अगर उन्होंने वैसा सोचा होता, अपने दिमाग की सुनी होती कि भाई इतना ज्यादा नुकसान तो अपनी होटल को हुआ है, उससे ऊपर अगर हम मुआवजा अपने एम्प्लॉय को देंगे, अपने जो एम्प्लॉय नहीं है वो लोगों को भी देंगे, तो हमको तो इतना ज्यादा घाटा होगा, वैसा अगर उन्होंने सोचा होता तो वो आप लीडर आज वो लीडर नहीं होते या आज उनकी बात हम लोग नहीं करते। और उन्होंने दिल से फैसला लिया कि नहीं मेरे को भले मेरे को जितना भी नुकसान हुआ मेरे को अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, और जो मेरे एम्प्लॉय नहीं है जिसका गुजारा ताज होटल के बाहर रहते हुए भी होता था वो लोगों के लिए भी मेरे को कुछ करना है, वैसा उन्होंने दिल से आज सुना
तो दोस्तों आज की तारीख में अगर उन्होंने दिमाग से फैसला लिया होता तो आज ताज होटल एक खंडर बन चुका होता, वहां पे कोई नहीं जाता। लेकिन दिल से फैसला लिया तो दोस्तों आज ताज होटल में बुकिंग भी नहीं मिल रही है। 7 7-star होटल है, पर डे का रेंट 1,00,000+ रुपया है, तो भी आज वहां पे रूम नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं, ठीक है, तो खुदा भी आपका साथ देता है। तो आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आपके सभी फैसले दिल से ले, 101% आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, पूरी जिंदगी में आप सफल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हम एलडीपी सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। न्यू प्रोडक्ट का सेशन बाकी है 15-20 मिनट का, तो किसी को जाना नहीं है। दोस्तों जब मैंने एलडीपी स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि आप एक पत्थर के रूप में हैं और मैं एक मूर्तिकार के रूप में हूँ, आपकी मैं मूर्ति बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों के चेहरे मेरी स्क्रीन पे कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूं रामविनम ठाकुर जी की, रामचंद्र विषे जी की, अपने कादरी सर की, पारुल मैडम की, अशोक पांडे जी, जितेंद्र जी, कैलाशपति ठाकुर जी, हमारे एलडी परमार सर, नए ब्रांड न्यू डायमंड, ठीक है, मकवाणा संदीप जी की, ठीक है, सभी लोगों की मैं बात करूं तो वो लोगों के चेहरे से मेरे को वैसा प्रतीत हो रहा है कि मैं बनाने के लिए गया था पत्थर में से मूर्ति, लेकिन आप बन गए हो हीरा। ठीक है, और आप मूर्ति नहीं लेकिन आप एक हीरे की तरह आपकी हंसी और चमक मेरे को दिख रही है। और मेरे को आज गर्व है कि मैं आपके पत्थर रूपी लाइक माइंड को 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की मूर्ति में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन आप हजारों करोड़ों की वैल्यू वाले हीरे में आप कन्वर्ट हो चुके हैं, डायमंड में आप कन्वर्ट हो चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसे धैर्य से जो 234 लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, विजय कुमार गौतम जी और सब लोग, तो वो लोगों को मैं 100% आशा दिलाता हूं कि इसमें से अगर आप 50% भी ग्रहण करेंगे ना दोस्तों, तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एलडीपी में नेक्स्ट राइट आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मैं यहाँ पे एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपको आज का एलडीपी प्रोग्राम कैसा लगा, वो मैं कुछ लीडरों से पूछना चाहूंगा, और उसके बाद हम स्ट्रेट अवे 5 मिनट में सिर्फ न्यू अराइवल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और बाद में हमारा सेशन को खत्म करेंगे। जी निनाद जी, निनाद साफिट कर, जय फिलान सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर रॉयल डायमंड बनने पे। थैंक यू वेरी मच सर। नासिक में हूँ सर, बीच में ट्रेवल में था तो नेटवर्क इशू था, इसलिए थोड़ा सा बात करने के लिए हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे दीपक शर्मा जी के लिए भी फिर से वंस अगेन मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ सर फिलान में। ओके, डैशिंग पर्सनालिटी है और उनके माध्यम से राजस्थान में बहुत बड़ा कारवा बढ़ सकता है सर। बिल्कुल सर, और आज का प्रेजेंटेशन सर। यस सर, हमारे महाराष्ट्र से भी अभी आज के दिन एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है सर। ओके, स्पेशली शाहपुर टीम यानी हमारे विषय जी, गोले जी, लकड़े जी और उनके माध्यम से जो माउली ग्रुप है, एक दिन में कम से कम सर 2,00,000 BV क्या बिजनेस सर जा रहा है। क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, बहुत जबरदस्त। एक ही दिन में 4,00,000 रुपए, सभी लोगों की मेहनत है सर। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे टीम का मैं एक सदस्य हूँ। ये एलडीपी के बारे में जो आपने कहा ना सर, बहुत जरूरी था। यानी कुछ चीजें ऐसी रहती है कि डायमंड बनने के बाद कभी कभी दिमाग में हवा भर जाती है सर। बिल्कुल सर, यानी आसमान में उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो डाउन द अर्थ यानी पैर जमीन पे ही चाहिए सर। बिल्कुल सर, और 100% सर फिलान ये तो इंडिया की नहीं तो पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व में नंबर 1 रैंक जल्द से जल्द हासिल करेगी, इतना स्पीड अभी मिल रहा है सर इस कंपनी को। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी फिलान का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर। सो और आपके जैसा मैं हमेशा मेरे टीम में कहता हूँ कि हमारे CMD यानी CMD कैसा होना चाहिए, तो वो ऑलराउंडर होना चाहिए हर फील्ड में सर। आप लाजवाब हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका वैसा ही प्यार हमारे ऊपर सदैव बना रहे और आपकी लीडरशिप की भी हम लाइक फक्र महसूस करते हैं कि आप जैसे लीडर फिलान में है कि जो हर वक्त फिलान के साथ है सर। यस सर, 100% सर, मरते दम तक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच निनाद जी। और आपके टीम के माध्यम से जो संदीप लकड़े जी की टीम में जो आज एक बहुत ही अच्छा कारनामा होने जा रहा है कि एक ही दिन में 2,00,000 BV और 4,00,000 रुपए का बिजनेस जब आएगा तो वो फिलहाल में अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित होगा दोस्तों। तो उसके लिए पूरे माउली ग्रुप, रामचंद्र विषय जी,
लाइक लकड़ी सर और पूरी आपकी पूरी एंटायर लीडरशिप को मैं यहाँ से ढेर सारी बधाई देता हूँ, और आप ऐसे ही काम करते रहिए सर, हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है? यस सर, वैसे ही हमारे एक और डायनामिक लीडर जो है मेरे ओडिशा से, मिस्टर तपन कुमार परिदा, अगर उनको अनम्यूट किया जाए और दो मिनट वो आज के एलडीपी के बारे में बोले। तपन कुमार परिदा जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, उनका वॉइस का शायद प्रॉब्लम है। उसके बाद हाँ, विजय कुमार गौतम जी, हमारे बीएमडब्ल्यू ओनर विजय कुमार गौतम जी, लास्ट 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 लास्ट, प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर, जय फिलान सर। जय फिलान सर, जितनी आपने ट्रेनिंग ली है सर उसमें लाइक उसका तो हम लाइक कुछ नॉलेज हमारे पास नहीं है, जो हमको थोड़ा बहुत जो अच्छा लगा सारा सेशन बहुत बढ़िया रहा और सभी लीडर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज जो संजय जी, जो क्या नाम है, दीपक शर्मा जी, हाँ, जिन्होंने फिलहाल के ऊपर एक विश्वास दिखाया और जिस विश्वास की वजह से आज हमारे साथ आए, इसलिए दीपक शर्मा जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने मतलब इस काबिल समझा कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हम सब लोग सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में वर्क कर रहे हैं, शायद इसीलिए आज हमारे साथ आए हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको और दीपक शर्मा जी को, और सभी लीडर्स को गर्व होना चाहिए कि आज हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं वो कंपनी आज डे बाय डे आगे बढ़ रही है, और खाली हम ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, यानी देश में बहुत सारे लोग हैं जो आज विश्वास करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत बनाना है जिससे सारी दुनिया हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाए। बस इसी तरह से सारे लोग मेहनत करते जाएंगे और डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, तो बहुत ही अच्छा रहा, और जैसे सभी लीडर्स ने बोला ना सर, वाकई में ये जो डीपी है ना, ये सच है ना, जैसे अब्दुल भाई ने बोला ना कि रेत और सीमेंट, सच्चाई यही है कि रेत और सीमेंट जो है वो दीवार को इतना मजबूत कर देता है कि 100 हथौड़े मारने के बाद भी टूटता नहीं है। और रंजीत जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली ना कि कच्ची ईंट को तोड़ना आसान है लेकिन भट्टी से गुजर जाए, तो ये भट्टी ही एलडीपी है, भट्टी से गुजर जाने के बाद लीडर कभी भी कमजोर पड़ता नहीं है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सब लोग सीख रहे हैं और सारे लोग बहुत आगे जा रहे हैं, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने लोगों ने अभी नया नया आपको नसीब किया उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं इस मौके पे टीम अल्टीमेट में जो दो नए डायमंड बने हैं, एक महावीरदा महावीर मंडल जो कि झारखंड से है, और दूसरे हमारे सुशांतदा की जो राजूदा की टीम से है, और उनको भी मैं यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और अगर सुशांतदा अगर है और दो मिनट बोलना चाहे तो उनको जरा अनम्यूट किया जाए। हाँ जी सुशांत दास जी। हाँ सर, नमस्कार सर, ढेर सारी शुभकामनाएं डायमंड लेवल अचीव करने पे। थैंक यू सर, थैंक यू। सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सर बिल्कुल, बताइए सर। हाँ सर, आपको धन्यवाद बहुत सारा, और आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आप जो बताए हैं ये सारे चीज हम मानकर चलेंगे और आगे बहुत आगे बढ़ेंगे, ये आपके पास मेरा वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको सर कोई भी चीज की जरूरत पड़े हम लोग बैठे हैं सर, ठीक है ना? ओके सर, ओके। आप सर फील्ड में झंडे गाड़िए, हम यहाँ पे पूरा मटेरियल लेके बैठे हैं। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दोस्तों, अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा सेशन हो चुका है। मैं करण भाई को बोलूंगा कि भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप करें और उसके बाद नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें न्यू प्रोडक्ट अराइवल के लिए।